सो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वाली वीडियो में आपको रंग दे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। इस मूवी के हिंदी अपडेट्स आपको दूंगा और आप इस मूवी को हिंदी में कहाँ पर देखेंगे, कैसे देख पाएंगे, और यहाँ पर इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूँ जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर आप रंग दे मूवी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो के देखने के बाद कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी का नाम है रंग दे, जो कि 2021 में रिलीज़ की गई तेलुगु भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6.7 की। वहीं पर गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को लाइक मिले थे 94%, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छी रेटिंग है। अब यहाँ पर बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है वेंकी अल्तुरुज ने, और इस मूवी में म्यूजिक को दिया है देवीश्री प्रसाद ने, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के बहुत सारे सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर भी इन सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। मूवी का बजट तकरीबन था 30 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने तकरीबन 25 से 39 करोड़ की कमाई की थी, जो कि एक एवरेज हिट मूवी रही थी। अब बात करें यहाँ पर इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी में आपको 2 मेन कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। पहले तो है कीर्ति सुरेश, जिनका यहाँ पर नाम होता है अन्नू, और दूसरे होते हैं नितिन, जिनका यहाँ पर नाम होता है अर्जुन। तो यहाँ पर ये दोनों मेन कास्ट है। मूवी की काफ़ी सिंपल कहानी है, मूवी में बहुत जगह पर उतर चढ़ाव है, पर मूवी दोस्तों आपको बोर नहीं करने वाली है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कुछ अमेजिंग फैक्ट रिव्यू के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी का रिव्यू दे देता हूँ। तो जो मूवी की कहानी वो स्टार्ट होती है एक मोहल्ला से, जहाँ पर नितिन रहते हैं, यानी कि अर्जुन रहते हैं, बट उनकी उम्र के वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर एक ही है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है अन्नू की, यानी कि कीर्ति सुरेश की। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अर्जुन है वो पढ़ाई में बहुत ही नीचे है, यानी कि पढ़ाई में कुछ ठीक नहीं है, ख़राब आप कह सकते हैं, और जो अन्नू है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, यानी कि आप मास्टर कह सकते हैं या फिर प्रो कह सकते हैं, और आप जो अर्जुन है उनको आप नूब समझ सकते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब भी विद्यालय में जो अन्नू है उसके अच्छे मार्क आते थे, तो उसको कॉम्पेयर किया जाता अर्जुन के साथ, और अर्जुन को हमेशा उनके जो माता पिता है वो टोकते रहते, देख सामने वाली लड़की को देख, पढ़ाई में कितनी अच्छी है, उनके कितने अच्छे मार्क आए, और तू देख तू अभी भी यहाँ पे पढ़ा है, तेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है। नफरत होने की वजह यही थी कि जो अन्नू है वो पढ़ाई में अच्छी थी, और जो अर्जुन है पढ़ाई में बहुत ही वीक था, और जो वहाँ पर सोसाइटी वाले थे उनको ताने मारते रहते थे। तो अर्जुन यही सोचता है कि मुझे अब यहाँ पर रहना नहीं है, मैं चला जाऊँगा दुबई। तो वो पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है, वहाँ पर काफ़ी मेहनत करता है, फिर भी जब रिजल्ट आता है तो 3rd नंबर पे होता है। तो वो ऊपर पढ़ाई करने की सोचता है, तभी उसको मालूम पड़ता है कि मैं अगर 3rd आया हूँ तो ऊपर 2 लोग कौन है, तो उनमें से एक होती है अन्नू। तो उसका वहाँ पर दिमाग हिल जाता है और उसको बहुत ही नफरत हो जाती है। बट दरअसल होता ये है कि बाद में उनके फैमिली वाले उन दोनों की शादी करवा देते हैं, जो कि अर्जुन उस शादी से बहुत ही खुश नहीं होता, जो कि अर्जुन उस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो चाहता ही नहीं था कि वो अन्नू से मिले और उससे शादी करे, बट किस्मत की बात है, जो कभी हमने सोचा नहीं होता है वो हमारे साथ हो जाता है। तो इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही हो गया है। तो फिर वो दुबई रहता था, तो वो दुबई वापस चला जाता है, और जब वो दुबई जाएगा तो अन्नू को भी साथ में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अन्नू है उसकी भी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, तो वो भी वही चाहते हैं कि मैं दुबई में रहकर पढ़ाई को पूरी करूँगा। फिर एक दिन जो अर्जुन है वो बाहर से आता है पार्टी में से, इन दोनों के बीच में एक प्यार भरी लड़ाई हो जाती है और दोनों सेक्स कर लेते हैं, और फिर जो अन्नू है वो गर्भवती हो जाती है। बट दरअसल जो अर्जुन है उससे कहता है कि मुझे बाप नहीं बनना है, तू इस बच्चे को गिरा दे। तो अन्नू इस बात से नाराज हो जाती है और बोलती है मैं हरगिज ऐसा नहीं करूँगी, मेरी पढ़ाई यहाँ पर ख़त्म होगी तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। बट वहाँ पर उसी वक्त जो उनके पेट में बच्चा होता है, यानी कि अन्नू के पेट में जो बच्चा था, वो उसको लात मारता है। तो वो देखकर अर्जुन को बहुत ही हंसी आती है। जब भी बच्चा अन्नू के पेट में लात मारता है तो अर्जुन को बहुत ही मज़ा आता था। तो तभी वहाँ पर एंट्री होती है उनके माता पिता की, वो लोग वहाँ पर आते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम दोनों साथ में ऐसे ही रहो और तुम डिवोर्स मत दो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उनके माता पिता कुछ और दिन वहाँ पर रुक जाते हैं, और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में काफ़ी प्यार आ जाता है और दोनों बहुत ही पास आ जाते हैं। पर दरअसल होता है कि जो अन्नू है वो डिवोर्स लेना चाहती है, और लास्ट का जो क्लाइमेक्स वहाँ पर वो अन्नू डिवोर्स पेपर लेकर आती है, तभी अर्जुन वहाँ पर बोलता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई,
मैंने अब तक जो भी किया वो एक छोटे बच्चे की तरह मैंने रिएक्शन दिए, वो मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई है। मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ सात जन्म रहना चाहता हूँ, वैसा वो लास्ट के क्लाइमेक्स में बोल देता है और वहीं पर मूवी एंड हो जाती है। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है तो इस मूवी की भी हैप्पी एंडिंग है। तो यह मूवी वन टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। मूवी में कुछ भी ऐसे ब्रूटल सीन्स तो नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ ना देखिए। मूवी काफ़ी अच्छी है, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखना। अब बात करूँ इस मूवी की हिंदी अपडेट्स के बारे में, तो हिंदी डबिंग राइट्स को बहुत ही पहले ही बाहर कर लिया था जी नहीं, जो कि फिलहाल तो अभी तक जो भी न्यूज़ आई है उसके हिसाब से इस मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को जी नहीं बाय किया है। बट बहुत लोगों का कहना है कि इस मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइन ने बाय कर लिया है। तो बेशक अब देखते हैं कि इस मूवी के राइट्स दरअसल बाय किसने की है, जो कि अभी तक ऑफिशियल कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आई है। बट ये मूवी अनऑफिशियली इलीगल डबिंग में अवेलेबल है, तो बहुत लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल देख लिया होगा। पर दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आपने अब तक इतना वेट किया है तो प्लीज़ और थोड़ा वेट कर लीजिए। जब यह मूवी ऑफिशियल रिलीज़ हो तभी आप इस मूवी को हिंदी में देखिए। अनऑफिशियल देखने का मज़ा मतलब कचरा देखना ही होता है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अनऑफिशियली इलीगल डबिंग मत देखिए, ऑफिशियली मूवी जब भी आए तभी इस मूवी को देखें। अब मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वन टाइम वॉच मूवी है, तो मैं आपको इतना भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इस मूवी को देखिए ही देखिए। मूवी अच्छी है तो आपको जब भी टाइम मिले, और यह मूवी दोस्तों तेलुगु में अवेलेबल है G5 पर, तो वहाँ पर जाकर भी आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक दो महीने तक वेट कर लीजिए, मूवी आपको जल्दी ही हिंदी में आपके टीवी में देखने को मिल जाएंगी। सो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और आज की इस वाली वीडियो में आपको रंग दे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। इस मूवी के हिंदी अपडेट्स आपको दूंगा और आप इस मूवी को हिंदी में कहाँ पर देखेंगे, कैसे देख पाएंगे, और यहाँ पर इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूँ जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर आप रंग दे मूवी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो के देखने के बाद कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी का नाम है रंग दे, जो कि 2021 में रिलीज़ की गई तेलुगु भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6.7 की। वहीं पर गूगल इर्ज की तरफ से इस मूवी को लाइक मिले थे 94%, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छी रेटिंग है। अब यहाँ पर बात करूँ इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है वेंकी अल्तुरुज ने, और इस मूवी में म्यूजिक को दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के बहुत सारे सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर भी इन सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। मूवी का बजट तकरीबन था 30 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने तकरीबन 25 से 39 करोड़ की कमाई की थी, जो कि एक एवरेज हिट मूवी रही थी। अब बात करें यहाँ पर इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी में आपको दो मेन कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। पहले तो है कीर्ति सुरेश, जिनका यहाँ पर नाम होता है अन्नू, और दूसरे होते हैं नितिन, जिनका यहाँ पर नाम होता है अर्जुन। तो यहाँ पर ये दोनों मेन कास्ट है। मूवी की काफ़ी सिंपल कहानी है, मूवी में बहुत जगह पर उतर चढ़ाव है, पर मूवी दोस्तों आपको बोर नहीं करने वाली है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कुछ अमेजिंग फैक्ट और रिव्यू के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी का रिव्यू दे देता हूँ। तो जो मूवी की कहानी है वो स्टार्ट होती है एक मोहल्ला से, जहाँ पर नितिन रहते हैं, यानी कि अर्जुन रहते हैं, बट उनकी उम्र के वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर एक ही है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है अन्नू की, यानी कि कीर्ति सुरेश की। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अर्जुन है वो पढ़ाई में बहुत ही नीचे है, यानी कि पढ़ाई में कुछ ठीक नहीं है, ख़राब आप कह सकते हैं, और जो अन्नू है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, यानी कि आप मास्टर कह सकते हैं या फिर प्रो कह सकते हैं, और आप जो अर्जुन है उनको आप नूब समझ सकते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब भी विद्यालय में जो अन्नू है उसके अच्छे मार्क आते थे तो उसको कॉम्पेयर किया जाता अर्जुन के साथ, और अर्जुन को हमेशा उनके जो माता पिता है वो टोकते रहते, देख सामने वाली लड़की को देख, पढ़ाई में कितनी अच्छी है, उनके कितने अच्छे मार्क आए, और तू देख तू अभी भी यहाँ पर पढ़ा है, तेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। बट कहानी में ट्विस्ट आता है जब दोनों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है। नफरत होने की वजह यही थी कि जो अन्नू है वो पढ़ाई में अच्छी थी, और जो अर्जुन है पढ़ाई में बहुत ही वीक था, और जो वहाँ पर सोसाइटी वाले थे उनको ताने मारते रहते थे। तो अर्जुन यही सोचता है कि मुझे अब यहाँ पर रहना नहीं है, मैं चला जाऊँगा दुबई। तो वो पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है, वहाँ पर काफ़ी मेहनत करता है, फिर भी जब रिजल्ट आता है तो 3rd नंबर पर होता है। तो वो ऊपर पढ़ाई करने की सोचता है, तभी उसको मालूम पड़ता है कि मैं अगर 3rd आया हूँ तो ऊपर 2 लोग कौन है, तो उनमें से एक होती है अन्नू। तो उसका वहाँ पर दिमाग हिल जाता है और उसको बहुत ही नफरत हो जाती है। बट दरअसल होता ये है कि बाद में उनके फैमिली वाले उन दोनों की शादी करवा देते हैं, जो कि
अर्जुन उस शादी से बहुत ही खुश नहीं होता, जो कि अर्जुन उस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो चाहता ही नहीं था कि वो अन्नू से मिले और उससे शादी करे, बट किस्मत की बात है, जो कभी हमने सोचा नहीं होता है वो हमारे साथ हो जाता है। तो इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही हो गया है। तो फिर वो दुबई रहता था, तो वो दुबई वापस चला जाता है, और जब वो दुबई जाएगा तो अन्नू को भी साथ में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अन्नू है उसकी भी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, तो वो भी वही चाहते हैं कि मैं दुबई में रहकर पढ़ाई को पूरी करूँगा। फिर एक दिन जो अर्जुन है वो बाहर से आता है पार्टी में से, इन दोनों के बीच में एक प्यार भरी लड़ाई हो जाती है और दोनों सेक्स कर लेते हैं, और फिर जो अन्नू है वो गर्भवती हो जाती है। पर दरअसल जो अर्जुन है उससे कहता है कि मुझे बाप नहीं बनना है, तू इस बच्चे को गिरा दे। तो अन्नू इस बात से नाराज़ हो जाती है और बोलती है, मैं हरगिज ऐसा नहीं करूँगी, मेरी पढ़ाई यहाँ पर ख़त्म होगी तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। बट वहाँ पर उसी वक्त जो उनके पेट में बच्चा होता है, यानी कि अन्नू के पेट में जो बच्चा था, वो उसको लात मारता है। तो वो देखकर अर्जुन को बहुत ही हंसी आती है। जब भी बच्चा अन्नू के पेट में लात मारता है तो अर्जुन को बहुत ही मज़ा आता था। तो तभी वहाँ पर एंट्री होती है उनके माता पिता की। वो लोग वहाँ पर आते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम दोनों साथ में ऐसे ही रहो और तुम डिवोर्स मत दो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उनके माता पिता कुछ और दिन वहाँ पर रुक जाते हैं, और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में काफ़ी प्यार आ जाता है और दोनों बहुत ही पास आ जाते हैं। पर दरअसल होता है कि जो अन्नू है वो डिवोर्स लेना चाहती है, और लास्ट का जो क्लाइमेक्स है वहाँ पर वो अन्नू डिवोर्स पेपर लग आती है। तभी अर्जुन वहाँ पर बोलता है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने अब तक जो भी किया वो एक छोटे बच्चे की तरह मैंने रिएक्शन दिए, वो मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ सात जन्म रहना चाहता हूँ। वैसा वो लास्ट के क्लाइमेक्स में बोल देता है और वहीं पर मूवी एंड हो जाती है। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, तो इस मूवी की भी हैप्पी एंडिंग है। तो यह मूवी वन टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। मूवी में कुछ भी ऐसे ब्रूटल सीन्स तो नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ ना देखिए। मूवी काफ़ी अच्छी है, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखना। अब बात करूँ इस मूवी की हिंदी अपडेट्स के बारे में, तो हिंदी लिंक राइट्स को बहुत ही पहले ही बाहर कर लिया था जी ने ही, जो कि फिलहाल तो अभी तक जो भी न्यूज़ आई है उसके हिसाब से इस मूवी की हिंदी लिंक राइट्स को जी ने ही बाय किया है। बट बहुत लोगों का कहना है कि इस मूवी की हिंदी लिंक राइट्स को गोल्ड मैन ने बाय कर लिया है। तो बेशक अब देखते हैं कि इस मूवी के राइट्स दरअसल बाय किसने की है, जो कि अभी तक ऑफिशियल कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आई है। बट ये मूवी अनऑफिशियली इलीगल डबिंग में अवेलेबल है, तो बहुत लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल देख लिया होगा। पर दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आपने अब तक इतना वेट किया है तो प्लीज़ और थोड़ा वेट कर लीजिए, जब यह मूवी ऑफिशियल रिलीज़ हो तभी आप इस मूवी को हिंदी में देखिए। अनऑफिशियल देखने का मज़ा मतलब कचरा देखना ही होता है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अनऑफिशियली इलीगल डबिंग मत देखिए, ऑफिशियली मूवी जब भी आए तभी इस मूवी को देखिए। अब मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वन टाइम वॉच मूवी है, तो मैं आपको इतना भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इस मूवी को देखिए ही देखिए। मूवी अच्छी है तो आपको जब भी टाइम मिले, और यह मूवी दोस्तों तेलुगु में अवेलेबल है G5 पर, तो वहाँ पर जाकर भी आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक दो महीने तक वेट कर लीजिए, मूवी आपको जल्दी ही हिंदी में आपके टीवी में देखने को मिल जाएंगी। सो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और आज की इस वाली वीडियो में आपको रंग दे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। इस मूवी के हिंदी अपडेट्स आपको दूंगा, और आप इस मूवी को हिंदी में कहाँ पर देखेंगे, कैसे देख पाएंगे, और यहाँ पर इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ, और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूँ जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर आप रंग दे मूवी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो के देखने के बाद कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी का नाम है रंग दे, जो कि 2021 में रिलीज़ की गई तेलुगु भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10.7 की। वहीं पर गूगल यूजर की तरफ से इस मूवी को लाइक मिले थे 94%, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छी रेटिंग है। अब यहाँ पर बात करूँ इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है वेंकी अल्तुरुज ने, और इस मूवी में म्यूजिक को दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के बहुत सारे सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर भी इन सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। मूवी का बजट तकरीबन था 30 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने तकरीबन 25 से 39 करोड़ की कमाई की थी, जो कि एक एवरेज हिट मूवी रही थी। अब बात करें यहाँ पर इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी में आपको दो मेन कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। पहले तो है कीर्ति सुरेश, जिनका यहाँ पर नाम होता है अन्नू, और दूसरे होते हैं नितिन, जिनका यहाँ पर नाम होता है अर्जुन। तो यहाँ पर ये दोनों मेन कास्ट है। मूवी की काफ़ी सिंपल कहानी है, मूवी में बहुत जगह पर उतर चढ़ाव है, पर मूवी दोस्तों आपको बोर नहीं करने वाली है।
अब यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कुछ अमेजिंग फैक्ट रिव्यू के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी का रिव्यू दे देता हूँ। तो जो मूवी की कहानी वो स्टार्ट होती है एक मोहल्ला से, जहाँ पर नितिन रहते हैं, यानी कि अर्जुन रहते हैं, बट उनकी उम्र के वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर एक ही है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है अनु की, यानी कि कीर्ति सुरेश की। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अर्जुन है वो पढ़ाई में बहुत ही नीचे है, यानी कि पढ़ाई में कुछ ठीक नहीं है, ख़राब आप कह सकते हैं, और जो अनु है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, यानी कि आप मास्टर कह सकते हैं या फिर प्रो कह सकते हैं, और आप जो अर्जुन है उनको आप नूब समझ सकते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब भी विद्यालय में जो अनु है उसके अच्छे मार्क आते थे तो उसको कॉम्पेयर किया जाता अर्जुन के साथ, और अर्जुन को हमेशा उनके जो माता पिता है वो टोकते रहते, देख सामने वाली लड़की को देख, पढ़ाई में कितनी अच्छी है, उनके कितने अच्छे मार्क आए, और तू देख तू अभी भी यहाँ पे पढ़ा है, तेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। बट कहानी में ट्विस्ट आता है जब दोनों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है। नफरत होने की वजह यही थी कि जो अनु है वो पढ़ाई में अच्छी थी, और जो अर्जुन है पढ़ाई में बहुत ही वीक था, और जो वहाँ पर सोसाइटी वाले थे उनको ताने मारते रहते थे। तो अर्जुन यही सोचता है कि मुझे अब यहाँ पर रहना नहीं है, मैं चला जाऊँगा दुबई। तो वो पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है, वहाँ पर काफ़ी मेहनत करता है, फिर भी जब रिजल्ट आता है तो थर्ड नंबर पे होता है। तो वो ऊपर पढ़ाई करने की सोचता है, तभी उसको मालूम पड़ता है कि मैं अगर थर्ड आया हूँ तो ऊपर दो लोग कौन है, तो उनमें से एक होती है अनु। तो उसका वहाँ पर दिमाग हिल जाता है और उसको बहुत ही नफरत हो जाती है। बट दरअसल होता ये है कि बाद में उनके फैमिली वाले उन दोनों की शादी करवा देते हैं, जो कि अर्जुन उस शादी से बहुत ही खुश नहीं होता, जो कि अर्जुन उस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो चाहता ही नहीं था कि वो अनु से मिले और उससे शादी करे, बट किस्मत की बात है, जो कभी हमने सोचा नहीं होता है वो हमारे साथ हो जाता है। तो इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही हो गया है। तो फिर वो दुबई रहता था, तो वो दुबई वापस चला जाता है, और जब वो दुबई जाएगा तो अनु को भी साथ में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अनु है उसकी भी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, तो वो भी वही चाहते हैं कि मैं दुबई में रहकर पढ़ाई को पूरी करूँगा। फिर एक दिन जो अर्जुन है वो बाहर से आता है पार्टी में से, इन दोनों के बीच में एक प्यार भरी लड़ाई हो जाती है और दोनों सेक्स कर लेते हैं, और फिर जो अनु है वो गर्भवती हो जाती है। बट दरअसल जो अर्जुन है उससे कहता है कि मुझे बाप नहीं बनना है, तू इस बच्चे को गिरा दे। तो अनु इस बात से नाराज हो जाती है और बोलती है मैं हरगिज ऐसा नहीं करूँगी, मेरी पढ़ाई यहाँ पर ख़त्म होगी तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। बट वहाँ पर उसी वक्त जो उनके पेट में बच्चा होता है, यानी कि अनु के पेट में जो बच्चा था, वो उसको लात मारता है। तो वो देखकर अर्जुन को बहुत ही हंसी आती है। जब भी बच्चा अनु के पेट में लात मारता है तो अर्जुन को बहुत ही मज़ा आता था। तो तभी वहाँ पर एंट्री होती है उनके माता पिता की, वो लोग वहाँ पर आते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम दोनों साथ में ऐसे ही रहो और तुम डिवोर्स मत दो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उनके माता पिता कुछ और दिन वहाँ पर रुक जाते हैं, और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में काफ़ी प्यार आ जाता है और दोनों बहुत ही पास आ जाते हैं। पर दरअसल होता है कि जो अनु है वो डिवोर्स लेना चाहती है, और लास्ट का जो क्लाइमेक्स है वहाँ पर वो अनु डिवोर्स पेपर लेकर आती है। तभी अर्जुन वहाँ पर बोलता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने अब तक जो भी किया वो एक छोटे बच्चे की तरह मैंने रिएक्शन दिए, वो मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ सात जन्म रहना चाहता हूँ, वैसा वो लास्ट के क्लाइमेक्स में बोल देता है, और वहीं पर मूवी एंड हो जाती है। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, तो इस मूवी की भी हैप्पी एंडिंग है। तो यह मूवी वन टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। मूवी में कुछ भी ऐसे ब्रटल सीन्स तो नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ ना देखिए। मूवी काफ़ी अच्छी है, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखना। अब बात करूँ इस मूवी की हिंदी अपडेट्स के बारे में, तो हिंदी डबिंग क्रेडिट्स को बहुत ही पहले ही बाहर कर लिया था जी ने ही, जो कि फिलहाल तो अभी तक जो भी न्यूज़ आई है उसके हिसाब से इस मूवी की हिंदी डबिंग क्रेडिट्स को जी ने ही बाहर किया है। बट बहुत लोगों का कहना है कि इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइन ने बाय कर लिया है। तो बेशक अब देखते हैं कि इस मूवी के राइट्स दरअसल बाय किसने की है, जो कि अभी तक ऑफिशियल कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। बट ये मूवी अनऑफिशियली इलीगल डबिंग में अवेलेबल है, तो बहुत लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल देख लिया होगा। बट दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आपने अब तक इतना वेट किया है तो प्लीज़ और थोड़ा वेट कर लीजिए, जब यह मूवी ऑफिशियल रिलीज़ हो तभी आप इस मूवी को हिंदी में देखिए। अनऑफिशियल देखने का मज़ा मतलब कचरा देखना ही होता है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अनऑफिशियली इलीगल डबिंग मत देखिए, ऑफिशियली मूवी जब भी आए तभी इस मूवी को देखिए। अब मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वन टाइम वॉच मूवी है, तो मैं आपको इतना भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इस मूवी को देखिए ही देखिए। मूवी अच्छी है, तो आपको जब भी टाइम मिले
और यह मूवी दोस्तों तेलुगु में अवेलेबल है G5 पर, तो वहाँ पर जाकर भी आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ 1-2 महीने तक वेट कर लीजिए, मूवी आपको जल्दी ही हिंदी में आपके टीवी में देखने को मिल जाएंगी। सो हेलो गाइज, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वाली वीडियो में आपको रंग दे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। इस मूवी के हिंदी अपडेट्स आपको दूंगा और आप इस मूवी को हिंदी में कहाँ पर देखेंगे, कैसे देख पाएंगे, और यहाँ पर इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूँ जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर आप रंग दे मूवी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो के देखने के बाद कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी का नाम है रंग दे, जो कि 2021 में रिलीज़ की गई तेलुगु भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6.7 की। वहीं पर गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को लाइक मिले थे 94%, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छी रेटिंग है। अब यहाँ पर बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है वेंकी अल्तुरुज ने, और इस मूवी में म्यूजिक को दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के बहुत सारे सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर भी इन सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। मूवी का बजट तकरीबन था 30 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने तकरीबन 25 से 39 करोड़ की कमाई की थी, जो कि एक एवरेज हिट मूवी रही थी। अब बात करें यहाँ पर इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी में आपको 2 मेन कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। पहले तो है कीर्ति सुरेश, जिनका यहाँ पर नाम होता है अन्नू, और दूसरे होते हैं नितिन, जिनका यहाँ पर नाम होता है अर्जुन। तो यहाँ पर ये दोनों मेनकास्ट है। मूवी की काफ़ी सिंपल कहानी है, मूवी में बहुत जगह पर उतर चढ़ाव है, पर मूवी दोस्तों आपको बोर नहीं करने वाली है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कुछ अमेजिंग फैक्ट रिव्यू के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी का रिव्यू दे देता हूँ। तो जो मूवी की कहानी वो स्टार्ट होती है एक मोहल्ला से, जहाँ पर नितिन रहते हैं, यानी कि अर्जुन रहते हैं, बट उनकी उम्र के वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर एक ही है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है अन्नू की, यानी कि कीर्ति सुरेश की। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अर्जुन है वो पढ़ाई में बहुत ही नीचे है, यानी कि पढ़ाई में कुछ ठीक नहीं है, ख़राब आप कह सकते हैं, और जो अन्नू है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, यानी कि आप मास्टर कह सकते हैं या फिर प्रो कह सकते हैं। और आप जो अर्जुन है उनको आप नूब समझ सकते हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब भी विद्यालय में जो अन्नू है उसके अच्छे मार्क आते थे तो उसको कॉम्पेयर किया जाता अर्जुन के साथ, और अर्जुन को हमेशा उनके जो माता पिता है वो टोकते रहते, देख सामने वाली लड़की को देख, पढ़ाई में कितनी अच्छी है, उनके कितने अच्छे मार्क आए, और तू देख तू अभी भी यहाँ पर पढ़ा है, तेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। बट कहानी में ट्विस्ट आता है जब दोनों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है। नफरत होने की वजह यही थी कि जो अन्नू है वो पढ़ाई में अच्छी थी, और जो अर्जुन है पढ़ाई में बहुत ही वीक था, और जो वहाँ पर सोसाइटी वाले थे उनको ताने मारते रहते थे। तो अर्जुन यही सोचता है कि मुझे अब यहाँ पर रहना नहीं है, मैं चला जाऊँगा दुबई। तो वो पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है, वहाँ पर काफ़ी मेहनत करता है, फिर भी जब रिजल्ट आता है तो 3rd नंबर पर होता है। तो वो ऊपर पढ़ाई करने की सोचता है, तभी उसको मालूम पड़ता है कि मैं अगर 3rd आया हूँ तो ऊपर 2 लोग कौन है, तो उनमें से एक होती है अन्नू। तो उसका वहाँ पर दिमाग हिल जाता है और उसको बहुत ही नफरत हो जाती है। बट दरअसल होता ये है कि बाद में उनके फैमिली वाले उन दोनों की शादी करवा देते हैं, जो कि अर्जुन उस शादी से बहुत ही खुश नहीं होता, जो कि अर्जुन उस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो चाहता ही नहीं था कि वो अन्नू से मिले और उससे शादी करे, बट किस्मत की बात है, जो कभी हमने सोचा नहीं होता है वो हमारे साथ हो जाता है। तो इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही हो गया है। तो फिर वो दुबई रहता था, तो वो दुबई वापस चला जाता है, और जब वो दुबई जाएगा तो अन्नू को भी साथ में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अन्नू है उसकी भी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, तो वो भी वही चाहते हैं कि मैं दुबई में रहकर पढ़ाई को पूरी करूँगा। फिर एक दिन जो अर्जुन है वो बाहर से आता है पार्टी में से, इन दोनों के बीच में एक प्यार भरी लड़ाई हो जाती है और दोनों सेक्स कर लेते हैं, और फिर जो अन्नू है वो गर्भवती हो जाती है। बट दरअसल जो अर्जुन है उससे कहता है कि मुझे बाप नहीं बनना है, तू इस बच्चे को गिरा दे। तो अन्नू इस बात से नाराज हो जाती है और बोलती है मैं हरगिज ऐसा नहीं करूँगी, मेरी पढ़ाई यहाँ पर ख़त्म होगी तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। बट वहाँ पर उसी वक्त जो उनके पेट में बच्चा होता है, यानी कि अन्नू के पेट में जो बच्चा था, वो उसको लात मारता है। तो वो देखकर अर्जुन को बहुत ही हंसी आती है। जब भी बच्चा अनु के पेट में लात मारता है तो अर्जुन को बहुत ही मज़ा आता था। तो तभी वहाँ पर एंट्री होती है उनके माता पिता की, वो लोग वहाँ पर आते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम दोनों साथ में ऐसे ही रहो और तुम डिवोर्स मत दो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उनके माता पिता कुछ और दिन वहाँ पर रुक जाते हैं, और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में काफ़ी
प्यार आ जाता है और दोनों बहुत ही पास आ जाते हैं। पर दरअसल होता है कि जो अनु है वो डिवोर्स लेना चाहती है और लास्ट का जो क्लाइमेक्स है वहाँ पर वो अनु डिवोर्स पेपर लेकर आती है। तभी अर्जुन वहाँ पर बोलता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने अब तक जो भी किया वो एक छोटे बच्चे की तरह मैंने रिएक्शन दिए, वो मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ सात जन्म रहना चाहता हूँ, वैसा वो लास्ट के क्लाइमेक्स में बोल देता है और वहीं पर मूवी एंड हो जाती है। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है तो इस मूवी की भी हैप्पी एंडिंग है। तो यह मूवी वन टाइम वॉच है तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। मूवी में कुछ भी ऐसे ब्रूटल सीन्स तो नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ ना देखिए। मूवी काफ़ी अच्छी है, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखना। अब बात करूँ इस मूवी की हिंदी अपडेट्स के बारे में, तो हिंदी डबिंग राइट्स को बहुत ही पहले ही बाहर कर लिया था जी नहीं, जो कि फिलहाल तो अभी तक जो भी न्यूज़ आई है उसके हिसाब से इस मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को जी नहीं बाय किया है। बट बहुत लोगों का कहना है कि इस मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइन ने बाय कर लिया है। तो बेशक अब देखते हैं कि इस मूवी के राइट्स दरअसल बाय किसने की है, जो कि अभी तक ऑफिशियल कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आई है। बट ये मूवी अनऑफिशियली इलीगल डबिंग में अवेलेबल है तो बहुत लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल देख लिया होगा। पर दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आपने अब तक इतना वेट किया है तो प्लीज़ और थोड़ा वेट कर लीजिए, जब यह मूवी ऑफिशियल रिलीज़ हो तभी आप इस मूवी को हिंदी में देखिए। अनऑफिशियल देखने का मज़ा मतलब कचरा देखना ही होता है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अनऑफिशियली इलीगल डबिंग मत देखिए, ऑफिशियली मूवी जब भी आए तभी इस मूवी को देखिए। अब मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वन टाइम वॉच मूवी है तो मैं आपको इतना भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इस मूवी को देखिए ही देखिए। मूवी अच्छी है तो आपको जब भी टाइम मिले, और यह मूवी दोस्तों तेलुगु में अवेलेबल है G5 पर, तो वहाँ पर जाकर भी आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक दो महीने तक वेट कर लीजिए, मूवी आपको जल्दी ही हिंदी में आपके टीवी में देखने को मिल जाएंगी। सो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और आज की इस वाली वीडियो में आपको रंग दे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। इस मूवी के हिंदी अपडेट्स आपको दूंगा और आप इस मूवी को हिंदी में कहाँ पर देखेंगे, कैसे देख पाएंगे, और यहाँ पर इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूँ जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर आप रंग दे मूवी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो के देखने के बाद कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी का नाम है रंग दे, जो कि 2021 में रिलीज़ की गई तेलुगु भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6.7 की। वहीं पर गूगल यूजर की तरफ से इस मूवी को लाइक मिले थे 94%, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छी रेटिंग है। अब यहाँ पर बात करूँ इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है वेंकी अल्तुरुज ने, और इस मूवी में म्यूजिक को दिया है देवीश्री प्रसाद ने, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के बहुत सारे सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर भी इन सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। मूवी का बजट तकरीबन था 30 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने तकरीबन 25 से 39 करोड़ की कमाई की थी, जो कि एक एवरेज हिट मूवी रही थी। अब बात करें यहाँ पर इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी में आपको दो मेन कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। पहले तो है कीर्ति सुरेश, जिनका यहाँ पर नाम होता है अनु, और दूसरे होते हैं नितिन, जिनका यहाँ पर नाम होता है अर्जुन। तो यहाँ पर ये दोनों मेन कास्ट है। मूवी की काफ़ी सिंपल कहानी है, मूवी में बहुत जगह पर उतर चढ़ाव है, पर मूवी दोस्तों आपको बोर नहीं करने वाली है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कुछ अमेजिंग फैक्ट रिव्यू के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी का रिव्यू दे देता हूँ। तो जो मूवी की कहानी वो स्टार्ट होती है एक मोहल्ला से, जहाँ पर नितिन रहते हैं, यानी कि अर्जुन रहते हैं, बट उनकी उम्र के वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर एक ही है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है अनु की, यानी कि कीर्ति सुरेश की। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अर्जुन है वो पढ़ाई में बहुत ही नीचे है, यानी कि पढ़ाई में कुछ ठीक नहीं है, ख़राब आप कह सकते हैं, और जो अनु है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, यानी कि आप मास्टर कह सकते हैं या फिर प्रो कह सकते हैं, और आप जो अर्जुन है उनको आप नूप समझ सकते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब भी विद्यालय में जो अनु है उसके अच्छे मार्क आते थे तो उसको कॉम्पेयर किया जाता अर्जुन के साथ, और अर्जुन को हमेशा उनके जो माता पिता है वो टोकते रहते, देख सामने वाली लड़की को देख, पढ़ाई में कितनी अच्छी है, उनके कितने अच्छे मार्क आए, और तू देख तू अभी भी यहाँ पर पढ़ा है, तेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है। नफरत होने की वजह यही थी कि जो अनु है वो पढ़ाई में अच्छी थी, और जो अर्जुन है पढ़ाई में बहुत ही वीक था, और जो वहाँ पर सोसाइटी वाले थे उनको ताने मारते रहते थे। तो अर्जुन यही सोचता है कि मुझे अब यहाँ पर रहना नहीं है, मैं चला जाऊँगा दुबई। तो वो पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है, वहाँ पर काफ़ी मेहनत करता है, फिर भी जब रिजल्ट आता है तो 3rd नंबर पर होता है।
तो वो ऊपर पढ़ाई करने की सोचता है, तभी उसको मालूम पड़ता है कि मैं अगर थर्ड आया हूँ तो ऊपर दो लोग कौन है, तो उनमें से एक होते हैं अन्नू। तो उसका वहाँ पर दिमाग हिल जाता है और उसको बहुत ही नफरत हो जाती है। बट दरअसल होता ये है कि बाद में उनके फैमिली वाले उन दोनों की शादी करवा देते हैं, जो कि अर्जुन उस शादी से बहुत ही खुश नहीं होता, जो कि अर्जुन उस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो चाहता ही नहीं था कि वो अन्नू से मिले और उससे शादी करे, बट किस्मत की बात है, जो कभी हमने सोचा नहीं होता है वो हमारे साथ हो जाता है। तो इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही हो गया है। तो फिर वो दुबई रहता था, तो वो दुबई वापस चला जाता है, और जब वो दुबई जाएगा तो अन्नू को भी साथ में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अन्नू है उसकी भी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, तो वो भी वही चाहते हैं कि मैं दुबई में रहकर पढ़ाई को पूरी करूँगा। फिर एक दिन जो अर्जुन है वो बाहर से आता है पार्टी में से, इन दोनों के बीच में एक प्यार भरी लड़ाई हो जाती है और दोनों सेक्स कर लेते हैं, और फिर जो अन्नू है वो गर्भवती हो जाती है। बट दरअसल जो अर्जुन है उससे कहता है कि मुझे बाप नहीं बनना है, तू इस बच्चे को गिरा दे। तो अन्नू इस बात से नाराज हो जाती है और बोलती है मैं हरगिज ऐसा नहीं करूँगी, मेरी पढ़ाई यहाँ पर ख़त्म होगी तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। बट वहाँ पर उसी वक्त जो उनके पेट में बच्चा होता है, यानी कि अन्नू के पेट में जो बच्चा था, वो उसको लात मारता है। तो वो देखकर अर्जुन को बहुत ही हंसी आती है। जब भी बच्चा अन्नू के पेट में लात मारता है तो अर्जुन को बहुत ही मज़ा आता था। तो तभी वहाँ पर एंट्री होती है उनके माता पिता की, वो लोग वहाँ पर आते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम दोनों साथ में ऐसे ही रहो और तुम डिवोर्स मत दो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उनके माता पिता कुछ और दिन वहाँ पर रुक जाते हैं और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में काफ़ी प्यार आ जाता है और दोनों बहुत ही पास आ जाते हैं। पर दरअसल होता है कि जो अन्नू है वो डिवोर्स लेना चाहती है, और लास्ट का जो क्लाइमेक्स वहाँ पर वो अन्नू डिवोर्स पेपर लेकर आती है, तभी अर्जुन वहाँ पर बोलता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने अब तक जो भी किया वो एक छोटे बच्चे की तरह मैंने रिएक्शन दिए, वो मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ सात जन्म रहना चाहता हूँ, वैसा वो लास्ट के क्लाइमेक्स में बोल देता है और वहीं पर मूवी एंड हो जाती है। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, तो इस मूवी की भी हैप्पी एंडिंग है। तो यह मूवी वन टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। मूवी में कुछ भी ऐसे ब्रूटल सीन्स तो नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ ना देखिए। मूवी काफ़ी अच्छी है, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखना। अब बात करूँ इस मूवी की हिंदी अपडेट्स के बारे में, तो हिंदी लिंक राइट्स को बहुत ही पहले ही बाहर कर लिया था जी नहीं, जो कि फिलहाल तो अभी तक जो भी न्यूज़ आई है उसके हिसाब से इस मूवी की हिंदी लिंक राइट्स को जी नहीं बाय किया है। बट बहुत लोगों का कहना है कि इस मूवी की हिंदी लिंक राइट्स को गोल्ड माइन ने बाय कर लिया है। तो बेशक अब देखते हैं कि इस मूवी के राइट्स दरअसल बाय किसने की है, जो कि अभी तक ऑफिशियल कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आई है। बट ये मूवी अनऑफिशियली इलीगल डबिंग में अवेलेबल है, तो बहुत लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल देख लिया होगा। पर दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आपने अब तक इतना वेट किया है तो प्लीज़ और थोड़ा वेट कर लीजिए, जब यह मूवी ऑफिशियल रिलीज़ हो तभी आप इस मूवी को हिंदी में देखिए। अनऑफिशियल देखने का मज़ा मतलब कचरा देखना ही होता है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अनऑफिशियली इलीगल डबिंग मत देखिए, ऑफिशियली मूवी जब भी आए तभी इस मूवी को देखिए। अब मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वन टाइम वॉच मूवी है, तो मैं आपको इतना भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इस मूवी को देखिए ही देखिए। मूवी अच्छी है तो आपको जब भी टाइम मिले, और यह मूवी दोस्तों तेलुगु में अवेलेबल है G5 पर, तो वहाँ पर जाकर भी आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक दो महीने तक वेट कर लीजिए, मूवी आपको जल्दी ही हिंदी में आपके टीवी में देखने को मिल जाएंगी। सो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और आज की इस वाली वीडियो में आपको रंग दे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। इस मूवी के हिंदी अपडेट्स आपको दूंगा, और आप इस मूवी को हिंदी में कहाँ पर देखेंगे, कैसे देख पाएंगे, और यहाँ पर इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ, और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूँ जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर आप रंग दे मूवी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो के देखने के बाद कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी का नाम है रंग दे, जो कि 2021 में रिलीज़ की गई तेलुगु भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10.7/7 की। वहीं पर गूगल यूज की तरफ से इस मूवी को लाइक मिले थे 94%, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छी रेटिंग है। अब यहाँ पर बात करूँ इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है वेंकी अल्तुरुज ने, और इस मूवी में म्यूजिक को दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के बहुत सारे सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर भी इन सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। मूवी का बजट तकरीबन था 30 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने तकरीबन 25 से 39 करोड़ की कमाई की थी, जो कि एक एवरेज हिट मूवी रही थी।
अब बात करें यहाँ पर इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी में आपको दो मेन कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। पहले तो है कीर्ति सुरेश, जिनका यहाँ पर नाम होता है अनु, और दूसरे होते हैं नितिन, जिनका यहाँ पर नाम होता है अर्जुन। तो यहाँ पर ये दोनों मेन कास्ट है। मूवी की काफ़ी सिंपल कहानी है। मूवी में बहुत जगह पर उतर चढ़ाव है, पर मूवी दोस्तों आपको बोर नहीं करने वाली है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कुछ अमेजिंग फैक्ट और रिव्यू के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी का रिव्यू दे देता हूँ। तो जो मूवी की कहानी वो स्टार्ट होती है एक मोहल्ला से, जहाँ पर नितिन रहते हैं, यानी कि अर्जुन रहते हैं, बट उनकी उम्र के वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर एक ही है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है अनु की, यानी कि कीर्ति सुरेश की। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अर्जुन है वो पढ़ाई में बहुत ही नीचे है, यानी कि पढ़ाई में कुछ ठीक नहीं है, ख़राब आप कह सकते हैं, और जो अनु है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, यानी कि आप मास्टर कह सकते हैं या फिर प्रो कह सकते हैं, और आप जो अर्जुन है उनको आप नूब समझ सकते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब भी विद्यालय में जो अनु है उसके अच्छे मार्क आते थे, तो उसको कॉम्पेयर किया जाता अर्जुन के साथ, और अर्जुन को हमेशा उनके जो माता पिता है वो टोकते रहते, देख सामने वाली लड़की को देख, पढ़ाई में कितनी अच्छी है, उनके कितने अच्छे मार्क आए, और तू देख तू अभी भी यहाँ पर पढ़ा है, तेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है। नफरत होने की वजह यही थी कि जो अनु है वो पढ़ाई में अच्छी थी, और जो अर्जुन है पढ़ाई में बहुत ही वीक था, और जो वहाँ पर सोसाइटी वाले थे उनको ताने मारते रहते थे। तो अर्जुन यही सोचता है कि मुझे अब यहाँ पर रहना नहीं है, मैं चला जाऊँगा दुबई। तो वो पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है, वहाँ पर काफ़ी मेहनत करता है, फिर भी जब रिजल्ट आता है तो थर्ड नंबर पर होता है। तो वो ऊपर पढ़ाई करने की सोचता है, तभी उसको मालूम पड़ता है कि मैं अगर थर्ड आया हूँ तो ऊपर दो लोग कौन है, तो उनमें से एक होती है अनु। तो उसका वहाँ पर दिमाग हिल जाता है और उसको बहुत ही नफरत हो जाती है। बट दरअसल होता ये है कि बाद में उनके फैमिली वाले उन दोनों की शादी करवा देते हैं, जो कि अर्जुन उस शादी से बहुत ही खुश नहीं होता, जो कि अर्जुन उस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो चाहता ही नहीं था कि वो अनु से मिले और उससे शादी करे, बट किस्मत की बात है, जो कभी हमने सोचा नहीं होता है वो हमारे साथ हो जाता है। तो इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही हो गया है। तो फिर वो दुबई रहता था, तो वो दुबई वापस चला जाता है, और जब वो दुबई जाएगा तो अनु को भी साथ में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अनु है उसकी भी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, तो वो भी वही चाहते हैं कि मैं दुबई में रहकर पढ़ाई को पूरी करूँगा। फिर एक दिन जो अर्जुन है वो बाहर से आता है पार्टी में से, इन दोनों के बीच में एक प्यार भरी लड़ाई हो जाती है और दोनों सेक्स कर लेते हैं, और फिर जो अनु है वो गर्भवती हो जाती है। बट दरअसल जो अर्जुन है उससे कहता है कि मुझे बाप नहीं बनना है, तू इस बच्चे को गिरा दे। तो अनु इस बात से नाराज हो जाती है और बोलती है मैं हरगिज ऐसा नहीं करूँगी, मेरी पढ़ाई यहाँ पर ख़त्म होगी तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। बट वहाँ पर उसी वक्त जो उनके पेट में बच्चा होता है, यानी कि अनु के पेट में जो बच्चा था, वो उसको लात मारता है। तो वो देखकर अर्जुन को बहुत ही हंसी आती है। जब भी बच्चा अनु के पेट में लात मारता है तो अर्जुन को बहुत ही मज़ा आता था। तो तभी वहाँ पर एंट्री होती है उनके माता पिता की, वो लोग वहाँ पर आते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम दोनों साथ में ऐसे ही रहो और तुम डिवोर्स मत दो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उनके माता पिता कुछ और दिन वहाँ पर रुक जाते हैं, और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में काफ़ी प्यार आ जाता है और दोनों बहुत ही पास आ जाते हैं। पर दरअसल होता है कि जो अनु है वो डिवोर्स लेना चाहती है, और लास्ट का जो क्लाइमेक्स वहाँ पर वो अनु डिवोर्स पेपर लेकर आती है, तभी अर्जुन वहाँ पर बोलता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने अब तक जो भी किया वो एक छोटे बच्चे की तरह मैंने रिएक्शन दिए, वो मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ सात जन्म रहना चाहता हूँ, वैसा वो लास्ट के क्लाइमेक्स में बोल देता है, और वहीं पर मूवी एंड हो जाती है। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, तो इस मूवी की भी हैप्पी एंडिंग है। तो यह मूवी वन टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। मूवी में कुछ भी ऐसे ब्रूटल सीन्स तो नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ ना देखिए। मूवी काफ़ी अच्छी है, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखना। अब बात करूँ इस मूवी की हिंदी अपडेट्स के बारे में, तो हिंदी लिंक राइट्स को बहुत ही पहले ही बाहर कर लिया था जी ने ही, जो कि फिलहाल तो अभी तक जो भी न्यूज़ आई है उसके हिसाब से इस मूवी की हिंदी लिंक राइट्स को जी ने ही बाहर किया है। बट बहुत लोगों का कहना है कि इस मूवी के हिंदी लिंक राइट्स को गोल्ड माइन ने बाय कर लिया है। तो बेशक अब देखते हैं कि इस मूवी के राइट्स दरअसल बाय किसने की है, जो कि अभी तक ऑफिशियल कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। बट ये मूवी अनऑफिशियली इलीगल डबिंग में अवेलेबल है, तो बहुत लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल देख लिया होगा। बट दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आपने अब तक इतना वेट किया है तो प्लीज़ और थोड़ा वेट कर लीजिए, जब यह मूवी ऑफिशियल रिलीज़ हो तभी आप इस मूवी को हिंदी में देखिए। अनऑफिशियल देखने का मज़ा मतलब कचरा देखना ही होता है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अनऑफिशियली इलीगल डबिंग मत देखिए,
और पिछली मूवी जब भी आए तभी इस मूवी को देखें। अब मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वन टाइम वॉच मूवी है तो मैं आपको इतना भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इस मूवी को देखिए ही देखिए। मूवी अच्छी है तो आपको जब भी टाइम मिले, और यह मूवी दोस्तों तेलुगु में अवेलेबल है G5 पर, तो वहाँ पर जाकर भी आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ 1-2 महीने तक वेट कर लीजिए, मूवी आपको जल्दी ही हिंदी में आपके टीवी में देखने को मिल जाएंगी। सो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वाली वीडियो में आपको रंग दे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। इस मूवी के हिंदी अपडेट्स आपको दूंगा और आप इस मूवी को हिंदी में कहाँ पर देखेंगे, कैसे देख पाएंगे, और यहाँ पर इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूँ जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर आप रंग दे मूवी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो के देखने के बाद कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी का नाम है रंग दे, जो कि 2021 में रिलीज़ की गई तेलुगु भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10.7 की। वहीं पर गूगल रिव्यूज की तरफ से इस मूवी को लाइक मिले थे 94%, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छी रेटिंग है। अब यहाँ पर बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है वेंकी अल्तुरुज ने, और इस मूवी में म्यूजिक को दिया है देवीश्री प्रसाद ने, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के बहुत सारे सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर भी इन सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। मूवी का बजट तकरीबन था 30 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने तकरीबन 25 से 39 करोड़ की कमाई की थी, जो कि एक एवरेज हिट मूवी रही थी। अब बात करें यहाँ पर इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी में आपको 2 मेन कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। पहले तो है कीर्ति सुरेश, जिनका यहाँ पर नाम होता है अन्नू, और दूसरे होते हैं नितिन, जिनका यहाँ पर नाम होता है अर्जुन। तो यहाँ पर ये दोनों मैन कास्ट है। मूवी की काफ़ी सिंपल कहानी है, मूवी में बहुत जगह पर उतर चढ़ाव है, पर मूवी दोस्तों आपको बोर नहीं करने वाली है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कुछ अमेजिंग फैक्ट और रिव्यू के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी का रिव्यू दे देता हूँ। तो जो मूवी की कहानी वो स्टार्ट होती है एक मोहल्ला से, जहाँ पर नितिन रहते हैं, यानी कि अर्जुन रहते हैं, बट उनकी उम्र के वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर एक ही है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है अन्नू की, यानी कि कीर्ति सुरेश की। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अर्जुन है वो पढ़ाई में बहुत ही नीचे है, यानी कि पढ़ाई में कुछ ठीक नहीं है, ख़राब आप कह सकते हैं, और जो अन्नू है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, यानी कि आप मास्टर कह सकते हैं या फिर प्रो कह सकते हैं, और आप जो अर्जुन है उनको आप नूब समझ सकते हैं। आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब भी विद्यालय में जो अन्नू है उसके अच्छे मार्क आते थे तो उसको कॉम्पेयर किया जाता अर्जुन के साथ, और अर्जुन को हमेशा उनके जो माता पिता है वो टोकते रहते, देख सामने वाली लड़की को देख, पढ़ाई में कितनी अच्छी है, उनके कितने अच्छे मार्क आए, और तू देख तू अभी भी यहाँ पे पढ़ा है, तेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है। नफरत होने की वजह यही थी कि जो अन्नू है वो पढ़ाई में अच्छी थी, और जो अर्जुन है पढ़ाई में बहुत ही वीक था, और जो वहाँ पर सोसाइटी वाले थे उनको ताने मारते रहते थे। तो अर्जुन यही सोचता है कि मुझे अब यहाँ पर रहना नहीं है, मैं चला जाऊँगा दुबई। तो वो पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है, वहाँ पर काफ़ी मेहनत करता है, फिर भी जब रिजल्ट आता है तो 3rd नंबर पे होता है। तो वो ऊपर पढ़ाई करने की सोचता है, तभी उसको मालूम पड़ता है कि मैं अगर 3rd आया हूँ तो ऊपर 2 लोग कौन है, तो उनमें से एक होती है अन्नू। तो उसका वहाँ पर दिमाग खिल जाता है और उसको बहुत ही नफरत हो जाती है। बट दरअसल होता ये है कि बाद में उनके फैमिली वाले उन दोनों की शादी करवा देते हैं, जो कि अर्जुन उस शादी से बहुत ही खुश नहीं होता, जो कि अर्जुन उस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो चाहता ही नहीं था कि वो अन्नू से मिले और उससे शादी करे, बट किस्मत की बात है, जो कभी हमने सोचा नहीं होता है वो हमारे साथ हो जाता है। तो इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही हो गया है। तो फिर वो दुबई रहता था, तो वो दुबई वापस चला जाता है, और जब वो दुबई जाएगा तो अन्नू को भी साथ में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अन्नू है उसकी भी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, तो वो भी वही चाहते हैं कि मैं दुबई में रहकर पढ़ाई को पूरी करूँगा। फिर एक दिन जो अर्जुन है वो बाहर से आता है पार्टी में से, इन दोनों के बीच में एक प्यार भरी लड़ाई हो जाती है और दोनों सेक्स कर लेते हैं, और फिर जो अन्नू है वो गर्भवती हो जाती है। बट दरअसल जो अर्जुन है उससे कहता है कि मुझे बाप नहीं बनना है, तू इस बच्चे को मीरा दे। तो अन्नू इस बात से नाराज हो जाती है और बोलती है मैं हरगिज ऐसा नहीं करूँगी, मेरी पढ़ाई यहाँ पर ख़त्म होगी तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। बट वहाँ पर उसी वक्त जो उनके पेट में बच्चा होता है, यानी कि अन्नू के पेट में जो बच्चा था, वो उसको लात मारता है। तो वो देखकर अर्जुन को बहुत ही हंसी आती है। जब भी बच्चा अन्नू के पेट में लात मारता है तो अर्जुन को बहुत ही मज़ा आता था। तो तभी वहाँ पर एंट्री होती है उनके माता पिता की, वो लोग वहाँ पर आते हैं और उनको बोलते हैं कि
तुम दोनों साथ में ऐसे ही रहो और तुम डिवोर्स मत दो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है तो उनके माता पिता कुछ और दिन वहाँ पर रुक जाते हैं और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में काफ़ी प्यार आ जाता है और दोनों बहुत ही पास आ जाते हैं। पर दरअसल होता है कि जो अनु है वो डिवोर्स लेना चाहती है और लास्ट का जो क्लाइमेक्स वहाँ पर वो अनु डिवोर्स पेपर लग कर आती है। तभी अर्जुन वहाँ पर बोलता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने अब तक जो भी किया वो एक छोटे बच्चे की तरह मैंने रिएक्शन दिए, वो मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ सात जन्म रहना चाहता हूँ, वैसा वो लास्ट के क्लाइमेक्स में बोल देता है और वहीं पर मूवी एंड हो जाती है। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है तो इस मूवी की भी हैप्पी एंडिंग है। तो यह मूवी वन टाइम वॉच है तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। मूवी में कुछ भी ऐसे ब्रूटल सीन्स तो नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ ना देखिए। मूवी काफ़ी अच्छी है, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखना। अब बात करूँ इस मूवी की हिंदी अपडेट्स के बारे में, तो हिंदी लिंक राइट्स को बहुत ही पहले ही बाहर कर लिया था जी नहीं, जो कि फिलहाल तो अभी तक जो भी न्यूज़ आई है उसके हिसाब से इस मूवी की हिंदी लिंक राइट्स को जी नहीं बाय किया है। बट बहुत लोगों का कहना है कि इस मूवी की हिंदी लिंक राइट्स को गोल्ड माइन ने बाय कर लिया है। तो बेशक अब देखते हैं कि इस मूवी के राइट्स दरअसल बाय किसने की है, जो कि अभी तक ऑफिशियल कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आई है। बट ये मूवी अनऑफिशियली इलीगल डबिंग में अवेलेबल है तो बहुत लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल देख लिया होगा। पर दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आपने अब तक इतना वेट किया है तो प्लीज़ और थोड़ा वेट कर लीजिए, जब यह मूवी ऑफिशियल रिलीज़ हो तभी आप इस मूवी को हिंदी में देखिए। अनऑफिशियल देखने का मज़ा मतलब कचरा देखना ही होता है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अनऑफिशियली इलीगल डबिंग मत देखिए, ऑफिशियली मूवी जब भी आए तभी इस मूवी को देखिए। अब मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वन टाइम वॉच मूवी है तो मैं आपको इतना भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इस मूवी को देखिए ही देखिए। मूवी अच्छी है तो आपको जब भी टाइम मिले, और यह मूवी दोस्तों तेलुगु में अवेलेबल है G5 पर, तो वहाँ पर जाकर भी आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक दो महीने तक वेट कर लीजिए, मूवी आपको जल्दी ही हिंदी में आपके टीवी में देखने को मिल जाएंगी। सो हेलो गाइज, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और आज की इस वाली वीडियो में आपको रंग दे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। इस मूवी के हिंदी अपडेट्स आपको दूंगा और आप इस मूवी को हिंदी में कहाँ पर देखेंगे, कैसे देख पाएंगे, और यहाँ पर इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूँ जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर आप रंग दे मूवी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो के देखने के बाद कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी का नाम है रंग दे, जो कि 2021 में रिलीज़ की गई तेलुगु भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10.7 की। वहीं पर गूगल यूजर की तरफ से इस मूवी को लाइक मिले थे 94%, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छी रेटिंग है। अब यहाँ पर बात करूँ इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है वेंकी अल्तुरुज ने, और इस मूवी में म्यूजिक को दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के बहुत सारे सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर भी इन सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। मूवी का बजट तकरीबन था 30 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने तकरीबन 25 से 39 करोड़ की कमाई की थी, जो कि एक एवरेज हिट मूवी रही थी। अब बात करें यहाँ पर इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी में आपको दो मैन कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। पहले तो है कीर्ति सुरेश, जिनका यहाँ पर नाम होता है अनु, और दूसरे होते हैं नितिन, जिनका यहाँ पर नाम होता है अर्जुन। तो यहाँ पर ये दोनों मैन कास्ट है। मूवी की काफ़ी सिंपल कहानी है, मूवी में बहुत जगह पर उतर चढ़ाव है, पर मूवी दोस्तों आपको बोर नहीं करने वाली है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कुछ अमेजिंग फैक्ट और रिव्यू के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी का रिव्यू दे देता हूँ। तो जो मूवी की कहानी वो स्टार्ट होती है एक मोहल्ला से, जहाँ पर नितिन रहते हैं, यानी कि अर्जुन रहते हैं, बट उनकी उम्र के वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर एक ही है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है अनु की, यानी कि कीर्ति सुरेश की। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अर्जुन है वो पढ़ाई में बहुत ही नीचे है, यानी कि पढ़ाई में कुछ ठीक नहीं है, ख़राब आप कह सकते हैं, और जो अनु है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, यानी कि आप मास्टर कह सकते हैं या फिर प्रो कह सकते हैं, और आप जो अर्जुन है उनको आप नूब समझ सकते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब भी विद्यालय में जो अनु है उसके अच्छे मार्क आते थे तो उसको कॉम्पेयर किया जाता अर्जुन के साथ, और अर्जुन को हमेशा उनके जो माता पिता है वो टोकते रहते, देख सामने वाली लड़की को देख, पढ़ाई में कितनी अच्छी है, उनके कितने अच्छे मार्क आए, और तू देख तू अभी भी यहाँ पर पढ़ा है, तेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है। नफरत होने की वजह यही थी कि जो अनु है वो पढ़ाई में अच्छी थी, और जो अर्जुन है पढ़ाई में बहुत ही वीक था, और जो वहाँ पर सोसाइटी वाले थे उनको ताने मारते रहते थे। तो अर्जुन यही सोचता है कि मुझे अब यहाँ पर रहना नहीं है, मैं चला जाऊँगा दुबई। तो वो
पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है, वहाँ पर काफ़ी मेहनत करता है, फिर भी जब रिजल्ट आता है तो थर्ड नंबर पे होता है। तो वो ऊपर पढ़ाई करने की सोचता है, तभी उसको मालूम पड़ता है कि मैं अगर थर्ड आया हूँ तो ऊपर दो लोग कौन है, तो उनमें से एक होती है अन्नू। तो उसका वहाँ पर दिमाग हिल जाता है और उसको बहुत ही नफरत हो जाती है। बट दरअसल होता ये है कि बाद में उनके फैमिली वाले उन दोनों की शादी करवा देते हैं, जो कि अर्जुन उस शादी से बहुत ही खुश नहीं होता, जो कि अर्जुन उस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो चाहता ही नहीं था कि वो अन्नू से मिले और उससे शादी करें, बट किस्मत की बात है, जो कभी हमने सोचा नहीं होता है वो हमारे साथ हो जाता है। तो इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही हो गया है। तो फिर वो दुबई रहता था, तो वो दुबई वापस चला जाता है, और जब वो दुबई जाएगा तो अन्नू को भी साथ में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अन्नू है उसकी भी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, तो वो भी वही चाहते हैं कि मैं दुबई में रहकर पढ़ाई को पूरी करूँगा। फिर एक दिन जो अर्जुन है वो बाहर से आता है पार्टी में से, इन दोनों के बीच में एक प्यार भरी लड़ाई हो जाती है और दोनों सेक्स कर लेते हैं, और फिर जो अन्नू है वो गर्भवती हो जाती है। बट दरअसल जो अर्जुन है उससे कहता है कि मुझे बाप नहीं बनना है, तू इस बच्चे को मीरा दे। तो अन्नू इस बात से नाराज हो जाती है और बोलती है मैं हरगिज ऐसा नहीं करूँगी, मेरी पढ़ाई यहाँ पर ख़त्म होगी तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। बट वहाँ पर उसी वक्त जो उनके पेट में बच्चा होता है, यानी कि अन्नू के पेट में जो बच्चा था, वो उसको लात मारता है। तो वो देखकर अर्जुन को बहुत ही हंसी आती है। जब भी बच्चा अन्नू के पेट में लात मारता है तो अर्जुन को बहुत ही मज़ा आता था। तो तभी वहाँ पर एंट्री होती है उनके माता पिता की, वो लोग वहाँ पर आते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम दोनों साथ में ऐसे ही रहो और तुम डिवोर्स मत दो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उनके माता पिता कुछ और दिन वहाँ पर रुक जाते हैं और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में काफ़ी प्यार आ जाता है और दोनों बहुत ही पास आ जाते हैं। पर दरअसल होता है कि जो अन्नू है वो डिवोर्स लेना चाहती है, और लास्ट का जो क्लाइमेक्स है वहाँ पर वो अन्नू डिवोर्स पेपर लेकर आती है। तभी अर्जुन वहाँ पर बोलता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने अब तक जो भी किया वो एक छोटे बच्चे की तरह मैंने रिएक्शन दिए, वो मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ सात जन्म रहना चाहता हूँ, वैसा वो लास्ट के क्लाइमेक्स में बोल देता है और वहीं पर मूवी एंड हो जाती है। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, तो इस मूवी की भी हैप्पी एंडिंग है। तो यह मूवी वन टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। मूवी में कुछ भी ऐसे ब्रूटल सीन्स तो नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ ना देखिए। मूवी काफ़ी अच्छी है, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखना। अब बात करूँ इस मूवी की हिंदी अपडेट्स के बारे में, तो हिंदी लिंक राइट्स को बहुत ही पहले ही बाहर कर लिया था जी नहीं, जो कि फिलहाल तो अभी तक जो भी न्यूज़ आई है उसके हिसाब से इस मूवी की हिंदी लिंक राइट्स को जी नहीं बाहर किया है। बट बहुत लोगों का कहना है कि इस मूवी की हिंदी लिंक राइट्स को गोल्ड माइन ने बाय कर लिया है। तो बेशक अब देखते हैं कि इस मूवी के राइट्स दरअसल बाय किसने की है, जो कि अभी तक ऑफिशियल कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आई है। बट ये मूवी अनऑफिशियली इलीगल डबिंग में अवेलेबल है, तो बहुत लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल देख लिया होगा। पर दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आपने अब तक इतना वेट किया है तो प्लीज़ और थोड़ा वेट कर लीजिए, जब यह मूवी ऑफिशियल रिलीज़ हो तभी आप इस मूवी को हिंदी में देखिए। अनऑफिशियल देखने का मज़ा मतलब कचरा देखना ही होता है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अनऑफिशियली इलीगल डबिंग मत देखिए, ऑफिशियली मूवी जब भी आए तभी इस मूवी को देखिए। अब मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वन टाइम वॉच मूवी है, तो मैं आपको इतना भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इस मूवी को देखिए ही देखिए। मूवी अच्छी है तो आपको जब भी टाइम मिले, और यह मूवी दोस्तों तेलुगु में अवेलेबल है G5 पर, तो वहाँ पर जाकर भी आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक दो महीने तक वेट कर लीजिए, मूवी आपको जल्दी ही हिंदी में आपके टीवी में देखने को मिल जाएंगी। सो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और आज की इस वाली वीडियो में आपको रंग दे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। इस मूवी के हिंदी अपडेट्स आपको दूंगा, और आप इस मूवी को हिंदी में कहाँ पर देखेंगे, कैसे देख पाएंगे, और यहाँ पर इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ, और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूँ जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर आप रंग दे मूवी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखिए, क्योंकि आपको इस वीडियो के देखने के बाद कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी का नाम है रंग दे, जो कि 2021 में रिलीज़ की गई तेलुगु भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10/6 की। वहीं पर गूगल यूजर की तरफ से इस मूवी को लाइक मिले थे 94%, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छी रेटिंग है। अब यहाँ पर बात करूँ इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है विंकी अल्तुरुज ने, और इस मूवी में म्यूजिक को दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के बहुत सारे सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर भी इन सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। मूवी का बजट तकरीबन था 30 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने तकरीबन
25 से 39 करोड़ की कमाई की थी, जो कि एक एवरेज हिट मूवी रही थी। अब बात करें यहाँ पर इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी में आपको दो मेन कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। पहले तो है कीर्ति सुरेश, जिनका यहाँ पर नाम होता है अन्नू, और दूसरे होते हैं नितिन, जिनका यहाँ पर नाम होता है अर्जुन। तो यहाँ पर ये दोनों मेन कास्ट है। मूवी की काफ़ी सिंपल कहानी है, मूवी में बहुत जगह पर उतर चढ़ाव है, पर मूवी दोस्तों आपको बोर नहीं करने वाली है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कुछ अमेजिंग फैक्ट और रिव्यू के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी का रिव्यू दे देता हूँ। तो जो मूवी की कहानी वो स्टार्ट होती है एक मोहल्ला से, जहाँ पर नितिन रहते हैं, यानी कि अर्जुन रहते हैं, बट उनकी उम्र के वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर एक ही है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है अन्नू की, यानी कि कीर्ति सुरेश की। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अर्जुन है वो पढ़ाई में बहुत ही नीचे है, यानी कि पढ़ाई में कुछ ठीक नहीं है, ख़राब आप कह सकते हैं, और जो अन्नू है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, यानी कि आप मास्टर कह सकते हैं या फिर प्रो कह सकते हैं, और आप जो अर्जुन है उनको आप नूब समझ सकते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब भी विद्यालय में जो अन्नू है उसके अच्छे मार्क आते थे, तो उसको कॉम्पेयर किया जाता अर्जुन के साथ, और अर्जुन को हमेशा उनके जो माता पिता है वो टोकते रहते, देख सामने वाली लड़की को देख, पढ़ाई में कितनी अच्छी है, उनके कितने अच्छे मार्क आए, और तू देख तू अभी भी यहाँ पर पढ़ा है, तेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है। नफरत होने की वजह यही थी कि जो अन्नू है वो पढ़ाई में अच्छी थी, और जो अर्जुन है पढ़ाई में बहुत ही वीक था, और जो वहाँ पर सोसाइटी वाले थे उनको ताने मारते रहते थे। तो अर्जुन यही सोचता है कि मुझे अब यहाँ पर रहना नहीं है, मैं चला जाऊँगा दुबई। तो वो पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है, वहाँ पर काफ़ी मेहनत करता है, फिर भी जब रिजल्ट आता है तो 3rd नंबर पर होता है। तो वो ऊपर पढ़ाई करने की सोचता है, तभी उसको मालूम पड़ता है कि मैं अगर 3rd आया हूँ तो ऊपर 2 लोग कौन है, तो उनमें से एक होती है अन्नू। तो उसका वहाँ पर दिमाग हिल जाता है और उसको बहुत ही नफरत हो जाती है। बट दरअसल होता ये है कि बाद में उनके फैमिली वाले उन दोनों की शादी करवा देते हैं, जो कि अर्जुन उस शादी से बहुत ही खुश नहीं होता, जो कि अर्जुन उस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो चाहता ही नहीं था कि वो अन्नू से मिले और उससे शादी करे, बट किस्मत की बात है, जो कभी हमने सोचा नहीं होता है वो हमारे साथ हो जाता है। तो इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही हो गया है। तो फिर वो दुबई रहता था, तो वो दुबई वापस चला जाता है, और जब वो दुबई जाएगा तो अन्नू को भी साथ में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अन्नू है उसकी भी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, तो वो भी वही चाहते हैं कि मैं दुबई में रहकर पढ़ाई को पूरी करूँगा। फिर एक दिन जो अर्जुन है वो बाहर से आता है पार्टी में से, इन दोनों के बीच में एक प्यार भरी लड़ाई हो जाती है और दोनों सेक्स कर लेते हैं, और फिर जो अन्नू है वो गर्भवती हो जाती है। बट दरअसल जो अर्जुन है उससे कहता है कि मुझे बाप नहीं बनना है, तू इस बच्चे को गिरा दे। तो अन्नू इस बात से नाराज हो जाती है और बोलती है मैं हर किसी ऐसा नहीं करूँगी, मेरी पढ़ाई यहाँ पर ख़त्म होगी तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। बट वहाँ पर उसी वक्त जो उनके पेट में बच्चा होता है, यानी कि अन्नू के पेट में जो बच्चा था, वो उसको लात मारता है। तो वो देखकर अर्जुन को बहुत ही हंसी आती है। जब भी बच्चा अन्नू के पेट में लात मारता है तो अर्जुन को बहुत ही मज़ा आता था। तो तभी वहाँ पर एंट्री होती है उनके माता पिता की, वो लोग वहाँ पर आते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम दोनों साथ में ऐसे ही रहो और तुम डिवोर्स मत दो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उनके माता पिता कुछ और दिन वहाँ पर रुक जाते हैं, और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में काफ़ी प्यार आ जाता है और दोनों बहुत ही पास आ जाते हैं। पर दरअसल होता है कि जो अन्नू है वो डिवोर्स लेना चाहती है, और लास्ट का जो क्लाइमेक्स है वहाँ पर वो अन्नू डिवोर्स पेपर लेकर आती है। तभी अर्जुन वहाँ पर बोलता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने अब तक जो भी किया वो एक छोटे बच्चे की तरह मैंने रिएक्शन दिए, वो मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ 7 जन्म रहना चाहता हूँ, वैसा वो लास्ट के क्लाइमेक्स में बोल देता है, और वहीं पर मूवी एंड हो जाती है। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, तो इस मूवी की भी हैप्पी एंडिंग है। तो यह मूवी 1 टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। मूवी में कुछ भी ऐसे ब्रूटल सीन्स तो नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ ना देखिए। मूवी काफ़ी अच्छी है, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखना। अब बात करूँ इस मूवी की हिंदी अपडेट्स के बारे में, तो हिंदी डबिंग राइट्स को बहुत ही पहले ही बाहर कर लिया था जी ने ही, जो कि फिलहाल तो अभी तक जो भी न्यूज़ आई है उसके हिसाब से इस मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को जी ने ही बाहर किया है। बट बहुत लोगों का कहना है कि इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइन ने बाय कर लिया है। तो बेशक अब देखते हैं कि इस मूवी के राइट्स दरअसल बाय किसने की है, जो कि अभी तक ऑफिशियली कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। बट ये मूवी अनऑफिशियली इलीगल डबिंग में अवेलेबल है, तो बहुत लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल देख लिया होगा। बट दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आपने अब तक इतना वेट किया है तो प्लीज़ और थोड़ा वेट कर लीजिए, जब यह मूवी ऑफिशियल रिलीज़ हो तभी आप इस मूवी को हिंदी में देखिए।
अनऑफिशियल देखने का मज़ा मतलब कचरा देखना ही होता है। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अनऑफिशियली इलीगल डबिंग मत देखें, ऑफिशियली मूवी जब भी आए तभी इस मूवी को देखें। अब मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वन टाइम वॉच मूवी है तो मैं आपको इतना भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इस मूवी को देखिए ही देखिए। मूवी अच्छी है तो आपको जब भी टाइम मिले, और यह मूवी दोस्तों तेलुगु में अवेलेबल है G5 पर, तो वहाँ पर जाकर भी आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक दो महीने तक वेट कर लीजिए, मूवी आपको जल्दी ही हिंदी में आपके टीवी में देखने को मिल जाएंगी। सो हेलो गाइज, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वाली वीडियो में आपको रंग दे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। इस मूवी के हिंदी अपडेट्स आपको दूंगा और आप इस मूवी को हिंदी में कहाँ पर देखेंगे, कैसे देख पाएंगे, और यहाँ पर इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ, और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूँ जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर आप रंग दे मूवी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो के देखने के बाद कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी का नाम है रंग दे, जो कि 2021 में रिलीज़ की गई तेलुगु भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6.7 की। वहीं पर गूगल यूजर की तरफ से इस मूवी को लाइक मिले थे 94%, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छी रेटिंग है। अब यहाँ पर बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है वेंकी अल्तुरुज ने, और इस मूवी में म्यूजिक को दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के बहुत सारे सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर भी इन सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। मूवी का बजट तकरीबन था 30 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने तकरीबन 25 से 39 करोड़ की कमाई की थी, जो कि एक एवरेज हिट मूवी रही थी। अब बात करें यहाँ पर इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी में आपको 2 मेन कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। पहले तो है कीर्ति सुरेश, जिनका यहाँ पर नाम होता है अन्नू, और दूसरे होते हैं नितिन, जिनका यहाँ पर नाम होता है अर्जुन। तो यहाँ पर ये दोनों मेन कास्ट है। मूवी की काफ़ी सिंपल कहानी है, मूवी में बहुत जगह पर उतर चढ़ाव है, पर मूवी दोस्तों आपको बोर नहीं करने वाली है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कुछ अमेजिंग फैक्ट रिव्यू के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी का रिव्यू दे देता हूँ। तो जो मूवी की कहानी वो स्टार्ट होती है एक मोहल्ला से, जहाँ पर नितिन रहते हैं, यानी कि अर्जुन रहते हैं, बट उनकी उम्र के वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर एक ही है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है अन्नू की, यानी कि कीर्ति सुरेश की। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अर्जुन है वो पढ़ाई में बहुत ही नीचे है, यानी कि पढ़ाई में कुछ ठीक नहीं है, ख़राबी आप कह सकते हैं, और जो अन्नू है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, यानी कि आप मास्टर कह सकते हैं या फिर प्रो कह सकते हैं, और आप जो अर्जुन है उनको आप नूब समझ सकते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब भी विद्यालय में जो अन्नू है उसके अच्छे मार्क आते थे तो उसको कॉम्पेयर किया जाता अर्जुन के साथ, और अर्जुन को हमेशा उनके जो माता पिता है वो टोकते रहते, देख सामने वाली लड़की को देख, पढ़ाई में कितनी अच्छी है, उनके कितने अच्छे मार्क आए, और तू देख तू अभी भी यहाँ पर पढ़ा है, तेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है। नफरत होने की वजह यही थी कि जो अन्नू है वो पढ़ाई में अच्छी थी, और जो अर्जुन है पढ़ाई में बहुत ही वीक था, और जो वहाँ पर सोसाइटी वाले थे उनको ताने मारते रहते थे। तो अर्जुन यही सोचता है कि मुझे अब यहाँ पर रहना नहीं है, मैं चला जाऊँगा दुबई। तो वो पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है, वहाँ पर काफ़ी मेहनत करता है, फिर भी जब रिजल्ट आता है तो 3rd नंबर पर होता है। तो वो ऊपर पढ़ाई करने की सोचता है, तभी उसको मालूम पड़ता है कि मैं अगर 3rd आया हूँ तो ऊपर 2 लोग कौन है, तो उनमें से एक होती है अन्नू। तो उसका वहाँ पर दिमाग हिल जाता है और उसको बहुत ही नफरत हो जाती है। बट दरअसल होता ये है कि बाद में उनके फैमिली वाले उन दोनों की शादी करवा देते हैं, जो कि अर्जुन उस शादी से बहुत ही खुश नहीं होता, जो कि अर्जुन उस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो चाहता ही नहीं था कि वो अन्नू से मिले और उससे शादी करे, बट किस्मत की बात है, जो कभी हमने सोचा नहीं होता है वो हमारे साथ हो जाता है। तो इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही हो गया है। तो फिर वो दुबई रहता था, तो वो दुबई वापस चला जाता है, और जब वो दुबई जाएगा तो अन्नू को भी साथ में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अन्नू है उसकी भी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, तो वो भी वही चाहते हैं कि मैं दुबई में रहकर पढ़ाई को पूरी करूँगा। फिर एक दिन जो अर्जुन है वो बाहर से आता है पार्टी में से, इन दोनों के बीच में एक प्यार भरी लड़ाई हो जाती है और दोनों सेक्स कर लेते हैं, और फिर जो अन्नू है वो गर्भवती हो जाती है। बट दरअसल जो अर्जुन है उससे कहता है कि मुझे बाप नहीं बनना है, तू इस बच्चे को मीरा दे। तो अन्नू इस बात से नाराज़ हो जाती है और बोलती है मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगी, मेरी पढ़ाई यहाँ पर ख़त्म होगी तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। बट वहाँ पर उसी वक्त जो उनके पेट में बच्चा होता है, यानी कि अन्नू के पेट में जो बच्चा था, वो उसको लात मारता है। तो वो देखकर अर्जुन को बहुत ही हंसी आती है,
जब भी बच्चा अनु के पेट में लात मारता है तो अर्जुन को बहुत ही मज़ा आता था। तो तभी वहाँ पर एंट्री होती है उनके माता पिता की। वो लोग वहाँ पर आते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम दोनों साथ में ऐसे ही रहो और तुम डिवोर्स मत दो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है तो उनके माता पिता कुछ और दिन वहाँ पर रुक जाते हैं और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में काफ़ी प्यार आ जाता है और दोनों बहुत ही पास आ जाते हैं। पर दरअसल होता है कि जो अनु है वो डिवोर्स लेना चाहती है और लास्ट का जो क्लाइमेक्स है वहाँ पर वो अनु डिवोर्स पेपर लेकर आती है। तभी अर्जुन वहाँ पर बोलता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने अब तक जो भी किया वो एक छोटे बच्चे की तरह मैंने रिएक्शन दिए, वो मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ सात जन्म रहना चाहता हूँ, वैसा वो लास्ट के क्लाइमेक्स में बोल देता है और वहीं पर मूवी एंड हो जाती है। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है तो इस मूवी की भी हैप्पी एंडिंग है। तो ये मूवी वन टाइम वॉच है तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। मूवी में कुछ भी ऐसे ब्रूटल सीन्स तो नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ ना देखिए। मूवी काफ़ी अच्छी है, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखना। अब बात करूँ इस मूवी की हिंदी अपडेट्स के बारे में, तो हिंदी लिंक राइट्स को बहुत ही पहले ही बाहर कर लिया था जी नहीं, जो कि फिलहाल तो अभी तक जो भी न्यूज़ आई है उसके हिसाब से इस मूवी की हिंदी लिंक राइट्स को जी नहीं बाय किया है। बट बहुत लोगों का कहना है कि इस मूवी की हिंदी लिंक राइट्स को गोल्ड माइन ने बाय कर लिया है। तो बेशक अब देखते हैं कि इस मूवी के राइट्स दरअसल बाय किसने की है, जो कि अभी तक ऑफिशियली कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आई है। बट ये मूवी अनऑफिशियली इलीगल डबिंग में अवेलेबल है तो बहुत लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल देख लिया होगा। पर दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आपने अब तक इतना वेट किया है तो प्लीज़ और थोड़ा वेट कर लीजिए, जब यह मूवी ऑफिशियल रिलीज़ हो तभी आप इस मूवी को हिंदी में देखिए। अनऑफिशियल देखने का मज़ा मतलब कचरा देखना ही होता है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अनऑफिशियली इलीगल डबिंग मत देखिए, ऑफिशियली मूवी जब भी आए तभी इस मूवी को देखिए। अब मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वन टाइम वॉच मूवी है तो मैं आपको इतना भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इस मूवी को देखिए ही देखिए। मूवी अच्छी है तो आपको जब भी टाइम मिले, और यह मूवी दोस्तों तेलुगु में अवेलेबल है G5 पर, तो वहाँ पर जाकर भी आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक दो महीने तक वेट कर लीजिए, मूवी आपको जल्दी ही हिंदी में आपके टीवी में देखने को मिल जाएंगी। सो हेलो गाइज, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और आज की इस वाली वीडियो में आपको रंग दे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। इस मूवी के हिंदी अपडेट्स आपको दूंगा और आप इस मूवी को हिंदी में कहाँ पर देखेंगे, कैसे देख पाएंगे, और यहाँ पर इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूँ जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर आप रंग दे मूवी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो के देखने के बाद कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी का नाम है रंग दे, जो कि 2021 में रिलीज़ की गई तेलुगु भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6.7 की। वहीं पर गूगल यूजर की तरफ से इस मूवी को लाइक मिले थे 94%, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छी रेटिंग है। अब यहाँ पर बात करूँ इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है विंकी अल्तुरुल ने, और इस मूवी में म्यूजिक को दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के बहुत सारे सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर भी इन सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। मूवी का बजट तकरीबन था 30 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने तकरीबन 25 से 39 करोड़ की कमाई की थी, जो कि एक एवरेज हिट मूवी रही थी। अब बात करें यहाँ पर इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी में आपको 2 मेन कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। पहले तो है कीर्ति सुरेश, जिनका यहाँ पर नाम होता है अनु, और दूसरे होते हैं नितिन, जिनका यहाँ पर नाम होता है अर्जुन। तो यहाँ पर ये दोनों मेन कास्ट है। मूवी की काफ़ी सिंपल कहानी है, मूवी में बहुत जगह पर उतर चढ़ाव है, पर मूवी दोस्तों आपको बोर नहीं करने वाली है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कुछ अमेजिंग फैक्ट रिव्यू के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी का रिव्यू दे देता हूँ। तो जो मूवी की कहानी वो स्टार्ट होती है एक मोहल्ला से, जहाँ पर नितिन रहते हैं यानी कि अर्जुन रहते हैं, बट उनकी उम्र के वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर एक ही है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है अनु की यानी कि कीर्ति सुरेश की। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अर्जुन है वो पढ़ाई में बहुत ही नीचे है, यानी कि पढ़ाई में कुछ ठीक नहीं है, ख़राब आप कह सकते हैं, और जो अनु है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, यानी कि आप मास्टर कह सकते हैं या फिर प्रो कह सकते हैं, और आप जो अर्जुन है उनको आप नूब समझ सकते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब भी विद्यालय में जो अनु है उसके अच्छे मार्क आते थे तो उसको कॉम्पेयर किया जाता अर्जुन के साथ, और अर्जुन को हमेशा उनके जो माता पिता है वो टोकते रहते, देख सामने वाली लड़की को देख, पढ़ाई में कितनी अच्छी है, उनके कितने अच्छे मार्क आए, और तू देख तू अभी भी यहाँ पर पढ़ा है, तेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है। नफरत होने की वजह यही थी कि जो अनु है
वो पढ़ाई में अच्छी थी और जो अर्जुन है पढ़ाई में बहुत ही वीक था, और जो वहाँ पर सोसाइटी वाले थे उनको ताने मारते रहते थे। तो अर्जुन यही सोचता है कि मुझे अब यहाँ पर रहना नहीं है, मैं चला जाऊँगा दुबई। तो वो पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है, वहाँ पर काफ़ी मेहनत करता है, फिर भी जब रिजल्ट आता है तो 3rd नंबर पर होता है। तो वो ऊपर पढ़ाई करने की सोचता है, तभी उसको मालूम पड़ता है कि मैं अगर 3rd आया हूँ तो ऊपर 2 लोग कौन है, तो उनमें से एक होती है अन्नू। तो उसका वहाँ पर दिमाग हिल जाता है और उसको बहुत ही नफरत हो जाती है। बट दरअसल होता ये है कि बाद में उनके फैमिली वाले उन दोनों की शादी करवा देते हैं, जो कि अर्जुन उस शादी से बहुत ही खुश नहीं होता, जो कि अर्जुन उस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो चाहता ही नहीं था कि वो अन्नू से मिले और उससे शादी करे, बट किस्मत की बात है, जो कभी हमने सोचा नहीं होता है वो हमारे साथ हो जाता है। तो इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही हो गया है। तो फिर वो दुबई रहता था, तो वो दुबई वापस चला जाता है, और जब वो दुबई जाएगा तो अन्नू को भी साथ में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अन्नू है उसकी भी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, तो वो भी वही चाहते हैं कि मैं दुबई में रहकर पढ़ाई को पूरी करूँगा। फिर एक दिन जो अर्जुन है वो बाहर से आता है पार्टी में से, इन दोनों के बीच में एक प्यार भरी लड़ाई हो जाती है और दोनों सेक्स कर लेते हैं, और फिर जो अन्नू है वो गर्भवती हो जाती है। बट दरअसल जो अर्जुन है उससे कहता है कि मुझे बाप नहीं बनना है, तू इस बच्चे को गिरा दे। तो अन्नू इस बात से नाराज़ हो जाती है और बोलती है मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगी, मेरी पढ़ाई यहाँ पर ख़त्म होगी तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। बट वहाँ पर उसी वक्त जो उनके पेट में बच्चा होता है, यानी कि अन्नू के पेट में जो बच्चा था, वो उसको लात मारता है। तो वो देखकर अर्जुन को बहुत ही हंसी आती है। जब भी बच्चा अन्नू के पेट में लात मारता है तो अर्जुन को बहुत ही मज़ा आता था। तो तभी वहाँ पर एंट्री होती है उनके माता पिता की, वो लोग वहाँ पर आते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम दोनों साथ में ऐसे ही रहो और तुम डिवोर्स मत दो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उनके माता पिता कुछ और दिन वहाँ पर रुक जाते हैं और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में काफ़ी प्यार आ जाता है और दोनों बहुत ही पास आ जाते हैं। पर दरअसल होता है कि जो अन्नू है वो डिवोर्स लेना चाहती है, और लास्ट का जो क्लाइमेक्स है वहाँ पर वो अन्नू डिवोर्स पेपर लेकर आती है। तभी अर्जुन वहाँ पर बोलता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने अब तक जो भी किया वो एक छोटे बच्चे की तरह मैंने रिएक्शन दिए, वो मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ 7 जन्म रहना चाहता हूँ, वैसा वो लास्ट के क्लाइमेक्स में बोल देता है और वहीं पर मूवी एंड हो जाती है। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, तो इस मूवी की भी हैप्पी एंडिंग है। तो ये मूवी 1 टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। मूवी में कुछ भी ऐसे ब्रूटल सीन्स तो नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ ना देखिए, मूवी काफ़ी अच्छी है। मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखना। अब बात करूँ इस मूवी की हिंदी अपडेट्स के बारे में, तो हिंदी डबिंग राइट्स को बहुत ही पहले ही बाहर कर लिया था जी ने ही, जो कि फिलहाल तो अभी तक जो भी न्यूज़ आई है उसके हिसाब से इस मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को जी ने ही बाहर किया है। बट बहुत लोगों का कहना है कि इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइन ने बाय कर लिया है। तो बेशक अब देखते हैं कि इस मूवी के राइट्स दरअसल बाय किसने की है, जो कि अभी तक ऑफिशियली कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। बट ये मूवी अनऑफिशियली इलीगल डबिंग में अवेलेबल है, तो बहुत लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल देख लिया होगा। बट दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आपने अब तक इतना वेट किया है तो प्लीज़ और थोड़ा वेट कर लीजिए, जब यह मूवी ऑफिशियल रिलीज़ हो तभी आप इस मूवी को हिंदी में देखिए। अनऑफिशियल देखने का मज़ा मतलब कचरा देखना ही होता है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अनऑफिशियली इलीगल डबिंग मत देखिए, ऑफिशियली मूवी जब भी आए तभी इस मूवी को देखिए। अब मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। 1 टाइम वॉच मूवी है, तो मैं आपको इतना भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इस मूवी को देखिए ही देखिए। मूवी अच्छी है तो आपको जब भी टाइम मिले, और यह मूवी दोस्तों तेलुगु में अवेलेबल है G5 पर, तो वहाँ पर जाकर भी आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ 1-2 महीने तक वेट कर लीजिए, मूवी आपको जल्दी ही हिंदी में आपके टीवी में देखने को मिल जाएंगी। सो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और आज की इस वाली वीडियो में आपको रंग दे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। इस मूवी के हिंदी अपडेट्स आपको दूंगा और आप इस मूवी को हिंदी में कहाँ पर देखेंगे, कैसे देख पाएंगे, और यहाँ पर इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ, और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूँ जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर आप रंग दे मूवी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो के देखने के बाद कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी का नाम है रंग दे, जो कि 2021 में रिलीज़ की गई तेलुगु भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6.7 की। वहीं पर गूगल यूजर की तरफ से इस मूवी को लाइक मिले थे 94%, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छी रेटिंग है। अब यहाँ पर बात करूँ इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है वेंकी अल्तुरुल ने,
और इस मूवी में म्यूजिक को दिया है देवीश्री प्रसाद ने, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के बहुत सारे सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर भी इन सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। मूवी का बजट तकरीबन था 30 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने तकरीबन 25 से 39 करोड़ की कमाई की थी, जो कि एक एवरेज हिट मूवी रही थी। अब बात करें यहाँ पर इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी में आपको 2 मेन कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। पहले तो है कीर्ति सुरेश, जिनका यहाँ पर नाम होता है अन्नू, और दूसरे होते हैं नितिन, जिनका यहाँ पर नाम होता है अर्जुन। तो यहाँ पर ये दोनों मैन कास्ट है। मूवी की काफ़ी सिंपल कहानी है, मूवी में बहुत जगह पर उतर चढ़ाव है, पर मूवी दोस्तों आपको बोर नहीं करने वाली है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कुछ अमेजिंग फैक्ट और रिव्यू के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी का रिव्यू दे देता हूँ। तो जो मूवी की कहानी वो स्टार्ट होती है एक मोहल्ला से, जहाँ पर नितिन रहते हैं, यानी कि अर्जुन रहते हैं, बट उनकी उम्र के वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर एक ही है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है अन्नू की, यानी कि कीर्ति सुरेश की। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अर्जुन है वो पढ़ाई में बहुत ही नीचे है, यानी कि पढ़ाई में कुछ ठीक नहीं है, ख़राबी आप कह सकते हैं। और जो अन्नू है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, यानी कि आप मास्टर कह सकते हैं या फिर प्रो कह सकते हैं। और आप जो अर्जुन है उनको आप नूब समझ सकते हैं, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब भी विद्यालय में जो अन्नू है उसके अच्छे मार्क आते थे, तो उसको कॉम्पेयर किया जाता अर्जुन के साथ, और अर्जुन को हमेशा उनके जो माता पिता है वो टोकते रहते, देख सामने वाली लड़की को देख, पढ़ाई में कितनी अच्छी है, उनके कितने अच्छे मार्क आए, और तू देख तू अभी भी यहाँ पर पढ़ा है, तेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है। नफरत होने की वजह यही थी कि जो अन्नू है वो पढ़ाई में अच्छी थी, और जो अर्जुन है पढ़ाई में बहुत ही वीक था, और जो वहाँ पर सोसाइटी वाले थे उनको ताने मारते रहते थे। तो अर्जुन यही सोचता है कि मुझे अब यहाँ पर रहना नहीं है, मैं चला जाऊँगा दुबई। तो वो पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है, वहाँ पर काफ़ी मेहनत करता है, फिर भी जब रिजल्ट आता है तो 3rd नंबर पर होता है। तो वो ऊपर पढ़ाई करने की सोचता है, तभी उसको मालूम पड़ता है कि मैं अगर 3rd आया हूँ तो ऊपर 2 लोग कौन है, तो उनमें से एक होती है अन्नू। तो उसका वहाँ पर दिमाग हिल जाता है और उसको बहुत ही नफरत हो जाती है। बट दरअसल होता ये है कि बाद में उनके फैमिली वाले उन दोनों की शादी करवा देते हैं, जो कि अर्जुन उस शादी से बहुत ही खुश नहीं होता, जो कि अर्जुन उस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो चाहता ही नहीं था कि वो अन्नू से मिले और उससे शादी करे, बट किस्मत की बात है, जो कभी हमने सोचा नहीं होता है वो हमारे साथ हो जाता है। तो इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही हो गया है। तो फिर वो दुबई रहता था, तो वो दुबई वापस चला जाता है, और जब वो दुबई जाएगा तो अन्नू को भी साथ में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अन्नू है उसकी भी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, तो वो भी वही चाहते हैं कि मैं दुबई में रहकर पढ़ाई को पूरी करूँगा। फिर एक दिन जो अर्जुन है वो बाहर से आता है पार्टी में से, इन दोनों के बीच में एक प्यार भरी लड़ाई हो जाती है और दोनों सेक्स कर लेते हैं, और फिर जो अन्नू है वो गर्भवती हो जाती है। बट दरअसल जो अर्जुन है उससे कहता है कि मुझे बाप नहीं बनना है, तू इस बच्चे को गिरा दे। तो अन्नू इस बात से नाराज़ हो जाती है और बोलती है मैं हरगिज ऐसा नहीं करूँगी, मेरी पढ़ाई यहाँ पर ख़त्म होगी तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। बट वहाँ पर उसी वक्त जो उनके पेट में बच्चा होता है, यानी कि अन्नू के पेट में जो बच्चा था, वो उसको लात मारता है। तो वो देखकर अर्जुन को बहुत ही हंसी आती है। जब भी बच्चा अन्नू के पेट में लात मारता है तो अर्जुन को बहुत ही मज़ा आता था। तो तभी वहाँ पर एंट्री होती है उनके माता पिता की, वो लोग वहाँ पर आते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम दोनों साथ में ऐसे ही रहो और तुम डिवोर्स मत दो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उनके माता पिता कुछ और दिन वहाँ पर रुक जाते हैं, और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में काफ़ी प्यार आ जाता है और दोनों बहुत ही पास आ जाते हैं। पर दरअसल होता है कि जो अन्नू है वो डिवोर्स लेना चाहती है, और लास्ट का जो क्लाइमेक्स है वहाँ पर वो अन्नू डिवोर्स पेपर लेकर आती है। तभी अर्जुन वहाँ पर बोलता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने अब तक जो भी किया वो एक छोटे बच्चे की तरह मैंने रिएक्शन दिए, वो मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ 7 जन्म रहना चाहता हूँ, वैसा वो लास्ट के क्लाइमेक्स में बोल देता है, और वहीं पर मूवी एंड हो जाती है। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, तो इस मूवी की भी हैप्पी एंडिंग है। तो ये मूवी 1 टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। मूवी में कुछ भी ऐसे ब्रूटल सीन्स तो नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ ना देखिए। मूवी काफ़ी अच्छी है, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखना। अब बात करूँ इस मूवी की हिंदी अपडेट्स के बारे में, तो हिंदी लिंक राइट्स को बहुत ही पहले ही बाहर कर लिया था जी ने ही, जो कि फिलहाल तो अभी तक जो भी न्यूज़ आई है उसके हिसाब से इस मूवी की हिंदी लिंक राइट्स को जी ने ही बाहर किया है। बट बहुत लोगों का कहना है कि इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइन ने बाय कर लिया है। तो बेशक अब देखते हैं कि इस मूवी के राइट्स दरअसल बाय किसने की है, जो कि अभी तक ऑफिशियली कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। बट ये मूवी अनऑफिशियली इलीगल डबिंग में
अवेलेबल है, तो बहुत लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल देख लिया होगा। पर दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आपने अब तक इतना वेट किया है तो प्लीज़ और थोड़ा वेट कर लीजिए, जब यह मूवी ऑफिशियल रिलीज़ हो तभी आप इस मूवी को हिंदी में देखिए। अनऑफिशियल देखने का मज़ा मतलब कचरा देखना ही होता है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अनऑफिशियली इलीगल डबिंग मत देखिए, ऑफिशियल मूवी जब भी आए तभी इस मूवी को देखिए। अब मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना, वन टाइम वॉच मूवी है तो मैं आपको इतना भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इस मूवी को देखिए ही देखिए। मूवी अच्छी है तो आपको जब भी टाइम मिले, और यह मूवी दोस्तों तेलुगु में अवेलेबल है G5 पर, तो वहाँ पर जाकर भी आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक दो महीने तक वेट कर लीजिए, मूवी आपको जल्दी ही हिंदी में आपके टीवी में देखने को मिल जाएंगी। सो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और आज की इस वाली वीडियो में आपको रंग दे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। इस मूवी के हिंदी अपडेट्स आपको दूंगा और आप इस मूवी को हिंदी में कहाँ पर देखेंगे, कैसे देख पाएंगे, और यहाँ पर इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ, और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूँ जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर आप रंग दे मूवी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो के देखने के बाद कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी का नाम है रंग दे, जो कि 2021 में रिलीज़ की गई तेलुगु भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6.7 की। वहीं पर गूगल यूजर की तरफ से इस मूवी को लाइक मिले थे 94%, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छी रेटिंग है। अब यहाँ पर बात करूँ इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है वेंकी अल्तुरुल ने, और इस मूवी में म्यूजिक को दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के बहुत सारे सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर भी इन सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। मूवी का बजट तकरीबन था 30 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने तकरीबन 25 से 39 करोड़ की कमाई की थी, जो कि एक एवरेज हिट मूवी रही थी। अब बात करें यहाँ पर इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी में आपको 2 मेन कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। पहले तो है कीर्ति सुरेश, जिनका यहाँ पर नाम होता है अन्नू, और दूसरे होते हैं नितिन, जिनका यहाँ पर नाम होता है अर्जुन। तो यहाँ पर ये दोनों मैन कास्ट है। मूवी की काफ़ी सिंपल कहानी है, मूवी में बहुत जगह पर उतर चढ़ाव है, पर मूवी दोस्तों आपको बोर नहीं करने वाली है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कुछ अमेजिंग फैक्ट और रिव्यू के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी का रिव्यू दे देता हूँ। तो जो मूवी की कहानी वो स्टार्ट होती है एक मोहल्ला से, जहाँ पर नितिन रहते हैं, यानी कि अर्जुन रहते हैं, बट उनकी उम्र के वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर एक ही है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है अन्नू की, यानी कि कीर्ति सुरेश की। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अर्जुन है वो पढ़ाई में बहुत ही नीचे है, यानी कि पढ़ाई में कुछ ठीक नहीं है, ख़राब आप कह सकते हैं, और जो अन्नू है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, यानी कि आप मास्टर कह सकते हैं या फिर प्रो कह सकते हैं, और आप जो अर्जुन है उनको आप नूब समझ सकते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब भी विद्यालय में जो अन्नू है उसके अच्छे मार्क आते थे तो उसको कॉम्पेयर किया जाता अर्जुन के साथ, और अर्जुन को हमेशा उनके जो माता पिता है वो टोकते रहते, देख सामने वाली लड़की को देख, पढ़ाई में कितनी अच्छी है, उनके कितने अच्छे मार्क आए, और तू देख तू अभी भी यहाँ पे पढ़ा है, तेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है। नफरत होने की वजह यही थी कि जो अन्नू है वो पढ़ाई में अच्छी थी, और जो अर्जुन है पढ़ाई में बहुत ही वीक था, और जो वहाँ पर सोसाइटी वाले थे उनको ताने मारते रहते थे। तो अर्जुन यही सोचता है कि मुझे अब यहाँ पर रहना नहीं है, मैं चला जाऊँगा दुबई। तो वो पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है, वहाँ पर काफ़ी मेहनत करता है, फिर भी जब रिजल्ट आता है तो 3rd नंबर पे होता है। तो वो ऊपर पढ़ाई करने की सोचता है, तभी उसको मालूम पड़ता है कि मैं अगर 3rd आया हूँ तो ऊपर 2 लोग कौन है, तो उनमें से एक होती है अन्नू। तो उसका वहाँ पर दिमाग हिल जाता है और उसको बहुत ही नफरत हो जाती है। बट दरअसल होता ये है कि बाद में उनके फैमिली वाले उन दोनों की शादी करवा देते हैं, जो कि अर्जुन उस शादी से बहुत ही खुश नहीं होता, जो कि अर्जुन उस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो चाहता ही नहीं था कि वो अन्नू से मिले और उससे शादी करे, बट किस्मत की बात है, जो कभी हमने सोचा नहीं होता है वो हमारे साथ हो जाता है। तो इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही हो गया है। तो फिर वो दुबई रहता था, तो वो दुबई वापस चला जाता है, और जब वो दुबई जाएगा तो अन्नू को भी साथ में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अन्नू है उसकी भी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, तो वो भी वही चाहते हैं कि मैं दुबई में रहकर पढ़ाई को पूरी करूँगा। फिर एक दिन जो अर्जुन है वो बाहर से आता है पार्टी में से, इन दोनों के बीच में एक प्यार भरी लड़ाई हो जाती है और दोनों सेक्स कर लेते हैं, और फिर जो अन्नू है वो गर्भवती हो जाती है। बट दरअसल जो अर्जुन है उससे कहता है कि मुझे बाप नहीं बनना है, तू इस बच्चे को गिरा दे। तो अन्नू इस बात से नाराज़ हो जाती है और बोलती है मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगी, मेरी पढ़ाई यहाँ पर ख़त्म होगी तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगी।
बट वहाँ पर उसी वक्त जो उनके पेट में बच्चा होता है, यानी कि अन्नू के पेट में जो बच्चा था वो उसको लात मारता है। तो वो देखकर अर्जुन को बहुत ही हंसी आती है। जब भी बच्चा अन्नू के पेट में लात मारता है तो अर्जुन को बहुत ही मज़ा आता था। तो तभी वहाँ पर एंट्री होती है उनके माता पिता की। वो लोग वहाँ पर आते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम दोनों साथ में ऐसे ही रहो और तुम डिवोर्स मत दो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उनके माता पिता कुछ और दिन वहाँ पर रुक जाते हैं और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में काफ़ी प्यार आ जाता है और दोनों बहुत ही पास आ जाते हैं। पर दरअसल होता है कि जो अन्नु है वो डिवोर्स लेना चाहती है, और लास्ट का जो क्लाइमेक्स है वहाँ पर वो अन्नु डिवोर्स पेपर लेकर आती है। तभी अर्जुन वहाँ पर बोलता है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने अब तक जो भी किया वो एक छोटे बच्चे की तरह मैंने रिएक्शन दिए, वो मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ सात जन्म रहना चाहता हूँ। वैसा वो लास्ट के क्लाइमेक्स में बोल देता है और वहीं पर मूवी एंड हो जाती है। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, तो इस मूवी की भी हैप्पी एंडिंग है। तो यह मूवी वन टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। मूवी में कुछ भी ऐसे ब्रूटल सीन्स तो नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ ना देखिए। मूवी काफ़ी अच्छी है, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखना। अब बात करूँ इस मूवी की हिंदी अपडेट्स के बारे में, तो हिंदी लिंक राइट्स को बहुत ही पहले ही बाहर कर लिया था जी नहीं, जो कि फिलहाल तो अभी तक जो भी न्यूज़ आई है उसके हिसाब से इस मूवी की हिंदी लिंक राइट्स को जी नहीं बाय किया है। बट बहुत लोगों का कहना है कि इस मूवी की हिंदी लिंक राइट्स को गोल्ड माइन ने बाय कर लिया है। तो बेशक अब देखते हैं कि इस मूवी के राइट्स दरअसल बाय किसने की है, जो कि अभी तक ऑफिशियल कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आई है। बट ये मूवी अनऑफिशियली इलीगल डबिंग में अवेलेबल है, तो बहुत लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल देख लिया होगा। पर दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आपने अब तक इतना वेट किया है तो प्लीज़ और थोड़ा वेट कर लीजिए। जब यह मूवी ऑफिशियल रिलीज हो तभी आप इस मूवी को हिंदी में देखिए। अनऑफिशियल देखने का मज़ा मतलब कचरा देखना ही होता है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अनऑफिशियली इलीगल डबिंग मत देखिए, ऑफिशियली मूवी जब भी आए तभी इस मूवी को देखिए। अब मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वन टाइम वॉच मूवी है, तो मैं आपको इतना भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इस मूवी को देखिए ही देखिए। मूवी अच्छी है तो आपको जब भी टाइम मिले, और यह मूवी दोस्तों तेलुगु में अवेलेबल है G5 पर, तो वहाँ पर जाकर भी आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक दो महीने तक वेट कर लीजिए, मूवी आपको जल्दी ही हिंदी में आपके टीवी में देखने को मिल जाएंगी। सो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और आज की इस वाली वीडियो में आपको रंग दे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। इस मूवी के हिंदी अपडेट्स आपको दूंगा, और आप इस मूवी को हिंदी में कहाँ पर देखेंगे, कैसे देख पाएंगे, और यहाँ पर इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ, और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूँ जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर आप रंग दे मूवी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो के देखने के बाद कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी का नाम है रंग दे, जो कि 2021 में रिलीज़ की गई तेलुगु भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6.7 की। वहीं पर गूगल यूजर की तरफ से इस मूवी को लाइक मिले थे 94%, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छी रेटिंग है। अब यहाँ पर बात करूँ इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है वेंकी अल्तुरुल ने, और इस मूवी में म्यूजिक को दिया है देवी श्रीप्रसाद ने, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के बहुत सारे सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर भी इन सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। मूवी का बजट तकरीबन था 30 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने तकरीबन 25 से 39 करोड़ की कमाई की थी, जो कि एक एवरेज हिट मूवी रही थी। अब बात करें यहाँ पर इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी में आपको दो मेन कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। पहले तो है कीर्ति सुरेश, जिनका यहाँ पर नाम होता है अन्नू, और दूसरे होते हैं नितिन, जिनका यहाँ पर नाम होता है अर्जुन। तो यहाँ पर ये दोनों मेन कास्ट है। मूवी की काफ़ी सिंपल कहानी है, मूवी में बहुत जगह पर उतर चढ़ाव है, पर मूवी दोस्तों आपको बोर नहीं करने वाली है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कुछ अमेजिंग फैक्ट रिव्यू के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी का रिव्यू दे देता हूँ। तो जो मूवी की कहानी वो स्टार्ट होती है एक मोहल्ला से, जहाँ पर नितिन रहते हैं, यानी कि अर्जुन रहते हैं, बट उनकी उम्र के वहाँ पर कोई भी बच्चे नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर एक ही है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है अन्नू की, यानी कि कीर्ति सुरेश की। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अर्जुन है वो पढ़ाई में बहुत ही नीचे है, यानी कि पढ़ाई में कुछ ठीक नहीं है, ख़राब आप कह सकते हैं, और जो अन्नू है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, यानी कि आप मास्टर कह सकते हैं या फिर प्रो कह सकते हैं, और आप जो अर्जुन है उनको आप नूब समझ सकते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब भी विद्यालय में जो अन्नू है उसके अच्छे मार्क आते थे तो उसको कॉम्पेयर किया जाता अर्जुन के साथ, और अर्जुन को हमेशा उनके जो माता पिता है वो टोकते रहते, देख सामने वाली लड़की को देख, पढ़ाई में कितनी अच्छी है, उनके कितने अच्छे मार्क आए, और तू देख
तू अभी भी यहाँ पे पड़ा है, तेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है। नफरत होने की वजह यही थी कि जो अन्नू है वो पढ़ाई में अच्छी थी और जो अर्जुन है पढ़ाई में बहुत ही वीक था, और जो वहाँ पर सोसाइटी वाले थे उनको ताने मारते रहते थे। तो अर्जुन यही सोचता है कि मुझे अब यहाँ पर रहना नहीं है, मैं चला जाऊँगा दुबई। तो वो पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है, वहाँ पर काफ़ी मेहनत करता है, फिर भी जब रिजल्ट आता है तो थर्ड नंबर पे होता है। तो वो ऊपर पढ़ाई करने की सोचता है, तभी उसको मालूम पड़ता है कि मैं अगर थर्ड आया हूँ तो ऊपर दो लोग कौन है। तो उनमें से एक होती है अन्नू। तो उसका वहाँ पर दिमाग हिल जाता है और उसको बहुत ही नफरत हो जाती है। बट दरअसल होता ये है कि बाद में उनके फैमिली वाले उन दोनों की शादी करवा देते हैं, जो कि अर्जुन उस शादी से बहुत ही खुश नहीं होता, जो कि अर्जुन उस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो चाहता ही नहीं था कि वो अन्नू से मिले और उससे शादी करे। बट किस्मत की बात है, जो कभी हमने सोचा नहीं होता है वो हमारे साथ हो जाता है। तो इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही हो गया है। तो फिर वो दुबई रहता था, तो वो दुबई वापस चला जाता है, और जब वो दुबई जाएगा तो अन्नू को भी साथ में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अन्नू है उसकी भी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, तो वो भी वही चाहते हैं कि मैं दुबई में रहकर पढ़ाई को पूरी करूँगा। फिर एक दिन जो अर्जुन है वो बाहर से आता है पार्टी में से, इन दोनों के बीच में एक प्यार भरी लड़ाई हो जाती है और दोनों सेक्स कर लेते हैं, और फिर जो अन्नू है वो गर्भवती हो जाती है। बट दरअसल जो अर्जुन है उससे कहता है कि मुझे बाप नहीं बनना है, तू इस बच्चे को गिरा दे। तो अन्नू इस बात से नाराज़ हो जाती है और बोलती है मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगी, मेरी पढ़ाई यहाँ पर ख़त्म होगी तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। बट वहाँ पर उसी वक्त जो उनके पेट में बच्चा होता है, यानी कि अन्नू के पेट में जो बच्चा था, वो उसको लात मारता है। तो वो देखकर अर्जुन को बहुत ही हंसी आती है। जब भी बच्चा अन्नू के पेट में लात मारता है तो अर्जुन को बहुत ही मज़ा आता था। तो तभी वहाँ पर एंट्री होती है उनके माता पिता की। वो लोग वहाँ पर आते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम दोनों साथ में ऐसे ही रहो और तुम डिवोर्स मत दो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उनके माता पिता कुछ और दिन वहाँ पर रुक जाते हैं और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में काफ़ी प्यार आ जाता है और दोनों बहुत ही पास आ जाते हैं। पर दरअसल होता है कि जो अन्नू है वो डिवोर्स लेना चाहती है, और लास्ट का जो क्लाइमेक्स है वहाँ पर वो अन्नू डिवोर्स के ऊपर लग आती है। तभी अर्जुन वहाँ पर बोलता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने अब तक जो भी किया वो एक छोटे बच्चे की तरह मैंने रिएक्शन दिए, वो मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ सात जन्म रहना चाहता हूँ। वैसा वो लास्ट के क्लाइमेक्स में बोल देता है और वहीं पर मूवी एंड हो जाती है। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, तो इस मूवी की भी हैप्पी एंडिंग है। तो यह मूवी वन टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। मूवी में कुछ भी ऐसे ब्रूटल सीन्स तो नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ ना देखिए। मूवी काफ़ी अच्छी है, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखना। अब बात करूँ इस मूवी की हिंदी अपडेट्स के बारे में, तो हिंदी फिल्म राइट्स को बहुत ही पहले ही बाहर कर लिया था जी ने ही, जो कि फिलहाल तो अभी तक जो भी न्यूज़ आई है उसके हिसाब से इस मूवी की हिंदी फिल्म राइट्स को जी ने ही बाहर किया है। बट बहुत लोगों का कहना है कि इस मूवी के हिंदी फिल्म राइट्स को गोल्ड माइन ने बाय कर लिया है। तो बेशक अब देखते हैं कि इस मूवी के राइट्स दरअसल बाय किसने की है, जो कि अभी तक ऑफिशियल कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। बट ये मूवी अनऑफिशियली इलीगल डबिंग में अवेलेबल है, तो बहुत लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल देख लिया होगा। बट दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आपने अब तक इतना वेट किया है तो प्लीज़ और थोड़ा वेट कर लीजिए, जब यह मूवी ऑफिशियल रिलीज़ हो तभी आप इस मूवी को हिंदी में देखिए। अनऑफिशियल देखने का मज़ा मतलब कचरा देखना ही होता है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अनऑफिशियली इलीगल डबिंग मत देखिए, ऑफिशियली मूवी जब भी आए तभी इस मूवी को देखिए। अब मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वन टाइम वॉच मूवी है, तो मैं आपको इतना भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इस मूवी को देखिए ही देखिए। मूवी अच्छी है तो आपको जब भी टाइम मिले, और यह मूवी दोस्तों तेलुगु में अवेलेबल है G5 पर, तो वहाँ पर जाकर भी आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक दो महीने तक वेट कर लीजिए, मूवी आपको जल्दी ही हिंदी में आपके टीवी में देखने को मिल जाएंगी। सो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और आज की इस वाली वीडियो में आपको रंग दे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। इस मूवी के हिंदी अपडेट्स आपको दूंगा, और आप इस मूवी को हिंदी में कहां पर देखेंगे, कैसे देख पाएंगे, और यहां पर इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूं, और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूं जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर आप रंग दे मूवी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो के देखने के बाद कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी का नाम है रंग दे, जो कि 2021 में रिलीज़ की गई तेलुगु भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6.7 की। वहीं पर गूगल यूजर की तरफ से इस मूवी को लाइक मिले थे 94%, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छी रेटिंग है।
अब यहाँ पर बात करूँ इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है वेंकी अल्तुरुज ने, और इस मूवी में म्यूजिक को दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के बहुत सारे सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर भी इन सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। मूवी का बजट तकरीबन था 30 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने तकरीबन 25 से 39 करोड़ की कमाई की थी, जो कि एक एवरेज हिट मूवी रही थी। अब बात करें यहाँ पर इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी में आपको 2 मेन कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। पहले तो है कीर्ति सुरेश, जिनका यहाँ पर नाम होता है अन्नू, और दूसरे होते हैं नितिन, जिनका यहाँ पर नाम होता है अर्जुन। तो यहाँ पर ये दोनों मैन कास्ट है। मूवी की काफ़ी सिंपल कहानी है, मूवी में बहुत जगह पर उतर चढ़ाव है, पर मूवी दोस्तों आपको बोर नहीं करने वाली है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कुछ अमेजिंग फैक्ट और रिव्यू के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी का रिव्यू दे देता हूँ। तो जो मूवी की कहानी वो स्टार्ट होती है एक मोहल्ला से, जहाँ पर नितिन रहते हैं, यानी कि अर्जुन रहते हैं, बट उनकी उम्र के वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर एक ही है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है अन्नू की, यानी कि कीर्ति सुरेश की। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अर्जुन है वो पढ़ाई में बहुत ही नीचे है, यानी कि पढ़ाई में कुछ ठीक नहीं है, ख़राब आप कह सकते हैं, और जो अन्नू है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, यानी कि आप मास्टर कह सकते हैं या फिर प्रो कह सकते हैं, और आप जो अर्जुन है उनको आप नूब समझ सकते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब भी विद्यालय में जो अन्नू है उसके अच्छे मार्क आते थे, तो उसको कॉम्पेयर किया जाता अर्जुन के साथ, और अर्जुन को हमेशा उनके जो माता पिता है वो टोकते रहते, देख सामने वाली लड़की को देख, पढ़ाई में कितनी अच्छी है, उनके कितने अच्छे मार्क आए, और तू देख तू अभी भी यहाँ पर पढ़ा है, तेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। बट कहानी में ट्विस्ट आता है जब दोनों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है। नफरत होने की वजह यही थी कि जो अन्नू है वो पढ़ाई में अच्छी थी, और जो अर्जुन है पढ़ाई में बहुत ही वीक था, और जो वहाँ पर सोसाइटी वाले थे उनको ताने मारते रहते थे। तो अर्जुन यही सोचता है कि मुझे अब यहाँ पर रहना नहीं है, मैं चला जाऊँगा दुबई। तो वो पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है, वहाँ पर काफ़ी मेहनत करता है, फिर भी जब रिजल्ट आता है तो 3rd नंबर पर होता है। तो वो ऊपर पढ़ाई करने की सोचता है, तभी उसको मालूम पड़ता है कि मैं अगर 3rd आया हूँ तो ऊपर 2 लोग कौन है, तो उनमें से एक होती है अन्नू। तो उसका वहाँ पर दिमाग हिल जाता है और उसको बहुत ही नफरत हो जाती है। बट दरअसल होता ये है कि बाद में उनके फैमिली वाले उन दोनों की शादी करवा देते हैं, जो कि अर्जुन उस शादी से बहुत ही खुश नहीं होता, जो कि अर्जुन उस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो चाहता ही नहीं था कि वो अन्नू से मिले और उससे शादी करे, बट किस्मत की बात है, जो कभी हमने सोचा नहीं होता है वो हमारे साथ हो जाता है। तो इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही हो गया है। तो फिर वो दुबई रहता था, तो वो दुबई वापस चला जाता है, और जब वो दुबई जाएगा तो अन्नू को भी साथ में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अन्नू है उसकी भी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, तो वो भी वही चाहते हैं कि मैं दुबई में रहकर पढ़ाई को पूरी करूँगा। फिर एक दिन जो अर्जुन है वो बाहर से आता है पार्टी में से, इन दोनों के बीच में एक प्यार भरी लड़ाई हो जाती है और दोनों सेक्स कर लेते हैं, और फिर जो अन्नू है वो गर्भवती हो जाती है। बट दरअसल जो अर्जुन उससे कहता है कि मुझे बाप नहीं बनना है, तू इस बच्चे को गिरा दे, तो अन्नू इस बात से नाराज़ हो जाती है और बोलती है मैं हरगिज ऐसा नहीं करूँगी, मेरी पढ़ाई यहाँ पर ख़त्म होगी तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। बट वहाँ पर उसी वक्त जो उनके पेट में बच्चा होता है, यानी कि अन्नू के पेट में जो बच्चा था, वो उसको लात मारता है। तो वो देखकर अर्जुन को बहुत ही हंसी आती है। जब भी बच्चा अन्नू के पेट में लात मारता है तो अर्जुन को बहुत ही मज़ा आता था। तो तभी वहाँ पर एंट्री होती है उनके माता पिता की, वो लोग वहाँ पर आते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम दोनों साथ में ऐसे ही रहो और तुम डिवोर्स मत दो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उनके माता पिता कुछ और दिन वहाँ पर रुक जाते हैं, और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में काफ़ी प्यार आ जाता है और दोनों बहुत ही पास आ जाते हैं। पर दरअसल होता है कि जो अन्नू है वो डिवोर्स लेना चाहती है, और लास्ट का जो क्लाइमेक्स है वहाँ पर वो अन्नू डिवोर्स के ऊपर लग आती है। तभी अर्जुन वहाँ पर बोलता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने अब तक जो भी किया वो एक छोटे बच्चे की तरह मैंने रिएक्शन दिए, वो मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ 7 जन्म रहना चाहता हूँ, वैसा वो लास्ट के क्लाइमेक्स में बोल देता है, और वहीं पर मूवी एंड हो जाती है। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, तो इस मूवी की भी हैप्पी एंडिंग है। तो यह मूवी 1 टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। मूवी में कुछ भी ऐसे ब्रूटल सीन्स तो नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ ना देखिए। मूवी काफ़ी अच्छी है, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखना। अब बात करूँ इस मूवी की हिंदी अपडेट्स के बारे में, तो हिंदी लिंक राइट्स को बहुत ही पहले ही बाहर कर लिया था जी ने ही, जो कि फिलहाल तो अभी तक जो भी न्यूज़ आई है उसके हिसाब से इस मूवी की हिंदी लिंक राइट्स को जी ने ही बाय किया है। बट बहुत लोगों का कहना है कि इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइन ने बाय कर लिया है।
तो बेशक अब देखते हैं कि इस मूवी के राइट्स दरअसल भाई किसने की है, जो कि अभी तक ऑफिशियली कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। बट ये मूवी अनऑफिशियली इलीगल डबिंग में अवेलेबल है, तो बहुत लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल देख लिया होगा। पर दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आपने अब तक इतना वेट किया है तो प्लीज़ और थोड़ा वेट कर लीजिए, जब यह मूवी ऑफिशियल रिलीज़ हो तभी आप इस मूवी को हिंदी में देखिए। अनऑफिशियल देखने का मज़ा मतलब कचरा देखना ही होता है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अनऑफिशियली इलीगल डबिंग मत देखिए, ऑफिशियली मूवी जब भी आए तभी इस मूवी को देखिए। अब मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वन टाइम वॉच मूवी है, तो मैं आपको इतना भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इस मूवी को देखिए ही देखिए। मूवी अच्छी है तो आपको जब भी टाइम मिले, और यह मूवी दोस्तों तेलुगु में अवेलेबल है G5 पर, तो वहाँ पर जाकर भी आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक दो महीने तक वेट कर लीजिए, मूवी आपको जल्दी ही हिंदी में आपके टीवी में देखने को मिल जाएंगी। सो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और आज की इस वाली वीडियो में आपको रंग दे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। इस मूवी के हिंदी अपडेट्स आपको दूंगा, और आप इस मूवी को हिंदी में कहाँ पर देखेंगे, कैसे देख पाएंगे, और यहाँ पर इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ, और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूँ जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर आप रंग दे मूवी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो के देखने के बाद कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी का नाम है रंग दे, जो कि 2021 में रिलीज़ की गई तेलुगु भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6.7 की। वहीं पर गूगल यूजर की तरफ से इस मूवी को लाइक मिले थे 94%, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छी रेटिंग है। अब यहाँ पर बात करूँ इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है वेंकी अल्तुरु ने, और इस मूवी में म्यूजिक को दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के बहुत सारे सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर भी इन सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। मूवी का बजट तकरीबन था 30 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने तकरीबन 25 से 39 करोड़ की कमाई की थी, जो कि एक एवरेज हिट मूवी रही थी। अब बात करें यहाँ पर इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी में आपको दो मेन कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। पहले तो है कीर्ति सुरेश, जिनका यहाँ पर नाम होता है अन्नू, और दूसरे होते हैं नितिन, जिनका यहाँ पर नाम होता है अर्जुन। तो यहाँ पर ये दोनों मेन कास्ट है। मूवी की काफ़ी सिंपल कहानी है, मूवी में बहुत जगह पर उतर चढ़ाव है, पर मूवी दोस्तों आपको बोर नहीं करने वाली है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कुछ अमेजिंग फैक्ट और रिव्यू के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी का रिव्यू दे देता हूँ। तो जो मूवी की कहानी है वो स्टार्ट होती है एक मोहल्ला से, जहाँ पर नितिन रहते हैं, यानी कि अर्जुन रहते हैं, बट उनकी उम्र के वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर एक ही है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है अन्नू की, यानी कि कीर्ति सुरेश की। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अर्जुन है वो पढ़ाई में बहुत ही नीचे है, यानी कि पढ़ाई में कुछ ठीक नहीं है, ख़राब आप कह सकते हैं, और जो अन्नू है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, यानी कि आप मास्टर कह सकते हैं या फिर प्रो कह सकते हैं, और आप जो अर्जुन है उनको आप नूब समझ सकते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब भी विद्यालय में जो अन्नू है उसके अच्छे मार्क आते थे, तो उसको कॉम्पेयर किया जाता अर्जुन के साथ, और अर्जुन को हमेशा उनके जो माता पिता है वो टोकते रहते, देख सामने वाली लड़की को देख, पढ़ाई में कितनी अच्छी है, उनके कितने अच्छे मार्क आए, और तू देख तू अभी भी यहाँ पर पढ़ा है, तेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। बट कहानी में ट्विस्ट आता है जब दोनों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है। नफरत होने की वजह यही थी कि जो अन्नू है वो पढ़ाई में अच्छी थी, और जो अर्जुन है पढ़ाई में बहुत ही वीक था, और जो वहाँ पर सोसाइटी वाले थे उनको ताने मारते रहते थे। तो अर्जुन यही सोचता है कि मुझे अब यहाँ पर रहना नहीं है, मैं चला जाऊँगा दुबई। तो वो पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है, वहाँ पर काफ़ी मेहनत करता है, फिर भी जब रिजल्ट आता है तो 3rd नंबर पर होता है। तो वो ऊपर पढ़ाई करने की सोचता है, तभी उसको मालूम पड़ता है कि मैं अगर 3rd आया हूँ तो ऊपर 2 लोग कौन है, तो उनमें से एक होती है अन्नू। तो उसका वहाँ पर दिमाग हिल जाता है और उसको बहुत ही नफरत हो जाती है। बट दरअसल होता ये है कि बाद में उनके फैमिली वाले उन दोनों की शादी करवा देते हैं, जो कि अर्जुन उस शादी से बहुत ही खुश नहीं होता, जो कि अर्जुन उस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो चाहता ही नहीं था कि वो अन्नू से मिले और उससे शादी करे, बट किस्मत की बात है, जो कभी हमने सोचा नहीं होता है वो हमारे साथ हो जाता है। तो इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही हो गया है। तो फिर वो दुबई रहता था, तो वो दुबई वापस चला जाता है, और जब वो दुबई जाएगा तो अन्नू को भी साथ में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अन्नू है उसकी भी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, तो वो भी वही चाहते हैं कि मैं दुबई में रहकर पढ़ाई को पूरी करूँगा। फिर एक दिन जो अर्जुन है वो बाहर से आता है पार्टी में से, इन दोनों के बीच में एक प्यार भरी लड़ाई हो जाती है और दोनों सेक्स कर लेते हैं, और फिर जो अन्नू है वो गर्भवती हो जाती है। पर दरअसल जो अर्जुन है उससे कहता है कि मुझे बाप नहीं बनना है, तू इस
बच्चे को गिरा दें। तो अन्नू इस बात से नाराज हो जाती है और बोलती है, मैं हरगिज ऐसा नहीं करूँगी, मेरी पढ़ाई यहाँ पर ख़त्म होगी तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। बट वहाँ पर उसी वक्त जो उनके पेट में बच्चा होता है, यानी कि अन्नू के पेट में जो बच्चा था, वो उसको लात मारता है। तो वो देखकर अर्जुन को बहुत ही हंसी आती है। जब भी बच्चा अन्नू के पेट में लात मारता है तो अर्जुन को बहुत ही मज़ा आता था। तो तभी वहाँ पर एंट्री होती है उनके माता पिता की। वो लोग वहाँ पर आते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम दोनों साथ में ऐसे ही रहो और तुम डिवोर्स मत दो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उनके माता पिता कुछ और दिन वहाँ पर रुक जाते हैं और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में काफ़ी प्यार आ जाता है और दोनों बहुत ही पास आ जाते हैं। पर दरअसल होता है कि जो अन्नू है वो डिवोर्स लेना चाहती है, और लास्ट का जो क्लाइमेक्स है वहाँ पर वो अन्नू डिवोर्स पेपर लग आती है। तभी अर्जुन वहाँ पर बोलता है कि सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मैंने अब तक जो भी किया वो एक छोटे बच्चे की तरह मैंने रिएक्शन दिए, वो मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ सात जन्म रहना चाहता हूँ। वैसा वो लास्ट के क्लाइमेक्स में बोल देता है और वहीं पर मूवी एंड हो जाती है। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, तो इस मूवी की भी हैप्पी एंडिंग है। तो यह मूवी वन टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। मूवी में कुछ भी ऐसे ब्रूटल सीन्स तो नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ ना देखिए। मूवी काफ़ी अच्छी है, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखना। अब बात करूँ इस मूवी की हिंदी अपडेट्स के बारे में, तो हिंदी लिंक राइट्स को बहुत ही पहले ही बाहर कर लिया था जी ने ही, जो कि फिलहाल तो अभी तक जो भी न्यूज़ आई है उसके हिसाब से इस मूवी की हिंदी लिंक राइट्स को जी ने ही बाय किया है। बट बहुत लोगों का कहना है कि इस मूवी की हिंदी लिंक राइट्स को गोल्ड मैन ने बाय कर लिया है। तो बेशक अब देखते हैं कि इस मूवी के राइट्स दरअसल बाय किसने की है, जो कि अभी तक ऑफिशियल कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आई है। बट ये मूवी अनऑफिशियली इलीगल डबिंग में अवेलेबल है, तो बहुत लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल देख लिया होगा। पर दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आपने अब तक इतना वेट किया है तो प्लीज़ और थोड़ा वेट कर लीजिए, जब यह मूवी ऑफिशियल रिलीज़ हो तभी आप इस मूवी को हिंदी में देखिए। अनऑफिशियल देखने का मज़ा मतलब कचरा देखना ही होता है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अनऑफिशियली इलीगल डबिंग मत देखिए, ऑफिशियली मूवी जब भी आए तभी इस मूवी को देखिए। अब मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वन टाइम वॉच मूवी है, तो मैं आपको इतना भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इस मूवी को देखिए ही देखिए। मूवी अच्छी है तो आपको जब भी टाइम मिले, और यह मूवी दोस्तों तेलुगु में अवेलेबल है G5 पर, तो वहाँ पर जाकर भी आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक दो महीने तक वेट कर लीजिए, मूवी आपको जल्दी ही हिंदी में आपके टीवी में देखने को मिल जाएंगी। सो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और आज की इस वाली वीडियो में आपको रंग दे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। इस मूवी के हिंदी अपडेट्स आपको दूंगा और आप इस मूवी को हिंदी में कहाँ पर देखेंगे, कैसे देख पाएंगे, और यहाँ पर इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूँ जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर आप रंग दे मूवी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो के देखने के बाद कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी का नाम है रंग दे, जो कि 2021 में रिलीज़ की गई तेलुगु भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6.7 की। वहीं पर गूगल यूजर की तरफ से इस मूवी को लाइक मिले थे 94%, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छी रेटिंग है। अब यहाँ पर बात करूँ इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है वेंकी अल्तुरुज ने, और इस मूवी में म्यूजिक को दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के बहुत सारे सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर भी इन सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। मूवी का बजट तकरीबन था 30 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने तकरीबन 25 से 39 करोड़ की कमाई की थी, जो कि एक एवरेज हिट मूवी रही थी। अब बात करें यहाँ पर इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी में आपको दो मेन कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। पहले तो है कीर्ति सुरेश, जिनका यहाँ पर नाम होता है अन्नू, और दूसरे होते हैं नितिन, जिनका यहाँ पर नाम होता है अर्जुन। तो यहाँ पर ये दोनों मेन कास्ट है। मूवी की काफ़ी सिंपल कहानी है, मूवी में बहुत जगह पर उतर चढ़ाव है, पर मूवी दोस्तों आपको बोर नहीं करने वाली है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कुछ अमेजिंग फैक्ट रिव्यू के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी का रिव्यू दे देता हूँ। तो जो मूवी की कहानी वो स्टार्ट होती है एक मोहल्ला से, जहाँ पर नितिन रहते हैं, यानी कि अर्जुन रहते हैं, बट उनकी उम्र के वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर एक ही है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है अन्नू की, यानी कि कीर्ति सुरेश की। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अर्जुन है वो पढ़ाई में बहुत ही नीचे है, यानी कि पढ़ाई में कुछ ठीक नहीं है, ख़राब आप कह सकते हैं, और जो अन्नू है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, यानी कि आप मास्टर कह सकते हैं या फिर प्रो कह सकते हैं, और आप जो अर्जुन है उनको आप नूब समझ सकते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब भी विद्यालय में जो अन्नू है उसके अच्छे मार्क आते थे, तो उसको कॉम्पेयर किया जाता
अर्जुन के साथ और अर्जुन को हमेशा उनके जो माता पिता है वो टोकते रहते, देख सामने वाली लड़की को देख, पढ़ाई में कितनी अच्छी है, उनके कितने अच्छे मार्क आए, और तू देख तू अभी भी यहाँ पे पढ़ा है और तेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है। नफरत होने की वजह यही थी कि जो अन्नु है वो पढ़ाई में अच्छी थी और जो अर्जुन है पढ़ाई में बहुत ही वीक था, और जो वहाँ पर सोसाइटी वाले थे उनको ताने मारते रहते थे। तो अर्जुन यही सोचता है कि मुझे अब यहाँ पर रहना नहीं है, मैं चला जाऊँगा दुबई। तो वो पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है, वहाँ पर काफ़ी मेहनत करता है, फिर भी जब रिजल्ट आता है तो थर्ड नंबर पे होता है। तो वो ऊपर पढ़ाई करने की सोचता है, तभी उसको मालूम पड़ता है कि मैं अगर थर्ड आया हूँ तो ऊपर दो लोग कौन है, तो उनमें से एक होती है अन्नु। तो उसका वहाँ पर दिमाग हिल जाता है और उसको बहुत ही नफरत हो जाती है। बट दरअसल होता ये है कि बाद में उनके फैमिली वाले उन दोनों की शादी करवा देते हैं, जो कि अर्जुन उस शादी से बहुत ही खुश नहीं होता, जो कि अर्जुन उस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो चाहता ही नहीं था कि वो अन्नू से मिले और उससे शादी करे, बट किस्मत की बात है, जो कभी हमने सोचा नहीं होता है वो हमारे साथ हो जाता है। तो इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही हो गया है। तो फिर वो दुबई रहता था, तो वो दुबई वापस चला जाता है, और जब वो दुबई जाएगा तो अन्नू को भी साथ में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अन्नू है उसकी भी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, तो वो भी वही चाहते हैं कि मैं दुबई में रहकर पढ़ाई को पूरी करूँगा। फिर एक दिन जो अर्जुन है वो बाहर से आता है पार्टी में से, इन दोनों के बीच में एक प्यार भरी लड़ाई हो जाती है और दोनों सेक्स कर लेते हैं, और फिर जो अन्नू है वो गर्भवती हो जाती है। पर दरअसल जो अर्जुन है उससे कहता है कि मुझे बाप नहीं बनना है, तू इस बच्चे को गिरा दे। तो अन्नू इस बात से नाराज हो जाती है और बोलती है मैं हरगिज ऐसा नहीं करूँगी, मेरी पढ़ाई यहाँ पर ख़त्म होगी तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। बट वहाँ पर उसी वक्त जो उनके पेट में बच्चा होता है, यानी कि अन्नू के पेट में जो बच्चा था, वो उसको लात मारता है। तो वो देखकर अर्जुन को बहुत ही हंसी आती है। जब भी बच्चा अन्नू के पेट में लात मारता है तो अर्जुन को बहुत ही मज़ा आता था। तो तभी वहाँ पर एंट्री होती है उनके माता पिता की, वो लोग वहाँ पर आते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम दोनों साथ में ऐसे ही रहो और तुम डिवोर्स मत दो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उनके माता पिता कुछ और दिन वहाँ पर रुक जाते हैं और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में काफ़ी प्यार आ जाता है और दोनों बहुत ही पास आ जाते हैं। पर दरअसल होता है कि जो अन्नू है वो डिवोर्स लेना चाहती है, और लास्ट का जो क्लाइमेक्स है वहाँ पर वो अन्नू डिवोर्स पेपर लेकर आती है। तभी अर्जुन वहाँ पर बोलता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने अब तक जो भी किया वो एक छोटे बच्चे की तरह मैंने रिएक्शन दिए, वो मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ सात जन्म रहना चाहता हूँ, वैसा वो लास्ट के क्लाइमेक्स में बोल देता है और वहीं पर मूवी एंड हो जाती है। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, तो इस मूवी की भी हैप्पी एंडिंग है। तो यह मूवी वन टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। मूवी में कुछ भी ऐसे ब्रूटल सीन्स तो नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ ना देखिए। मूवी काफ़ी अच्छी है, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखना। अब बात करूँ इस मूवी की हिंदी अपडेट्स के बारे में, तो हिंदी डबिंग क्रेडिट्स को बहुत ही पहले ही बाहर कर लिया था जी ने ही, जो कि फिलहाल तो अभी तक जो भी न्यूज़ आई है उसके हिसाब से इस मूवी की हिंदी डबिंग क्रेडिट्स को जी ने ही बाहर किया है। बट बहुत लोगों का कहना है कि इस मूवी के हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइन ने बाय कर लिया है। तो बेशक अब देखते हैं कि इस मूवी के राइट्स दरअसल बाय किसने की है, जो कि अभी तक ऑफिशियल कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। बट ये मूवी अनऑफिशियली इलीगल डबिंग में अवेलेबल है, तो बहुत लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल देख लिया होगा। बट दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आपने अब तक इतना वेट किया है तो प्लीज़ और थोड़ा वेट कर लीजिए, जब यह मूवी ऑफिशियल रिलीज़ हो तभी आप इस मूवी को हिंदी में देखिए। अनऑफिशियल देखने का मज़ा मतलब कचरा देखना ही होता है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अनऑफिशियली इलीगल डबिंग मत देखिए, ऑफिशियली मूवी जब भी आए तभी इस मूवी को देखिए। अब मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वन टाइम वॉच मूवी है, तो मैं आपको इतना भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इस मूवी को देखिए ही देखिए। मूवी अच्छी है तो आपको जब भी टाइम मिले, और यह मूवी दोस्तों तेलुगु में अवेलेबल है G5 पर, तो वहाँ पर जाकर भी आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक दो महीने तक वेट कर लीजिए, मूवी आपको जल्दी ही हिंदी में आपके टीवी में देखने को मिल जाएंगी। सो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और आज की इस वाली वीडियो में आपको रंग दे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। इस मूवी के हिंदी अपडेट्स आपको दूंगा, और आप इस मूवी को हिंदी में कहाँ पर देखेंगे, कैसे देख पाएंगे, और यहाँ पर इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ, और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूँ जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर आप रंग दे मूवी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो के देखने के बाद कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी का नाम है रंग दे, जो कि 2021 में रिलीज़ की गई तेलुगु भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी।
इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6.7 की। वहीं पर गूगल यूजर्स की तरफ से इस मूवी को लाइक मिले थे 94%, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छी रेटिंग है। अब यहाँ पर बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है वेंकी अल्तुरुज ने, और इस मूवी में म्यूजिक को दिया है देवीश्री प्रसाद ने, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के बहुत सारे सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर भी इन सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। मूवी का बजट तकरीबन था 30 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने तकरीबन 25 से 39 करोड़ की कमाई की थी, जो कि एक एवरेज हिट मूवी रही थी। अब बात करें यहाँ पर इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी में आपको 2 मेन कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। पहले तो है कीर्ति सुरेश, जिनका यहाँ पर नाम होता है अन्नू, और दूसरे होते हैं नितिन, जिनका यहाँ पर नाम होता है अर्जुन। तो यहाँ पर ये दोनों मैन कास्ट है। मूवी की काफ़ी सिंपल कहानी है, मूवी में बहुत जगह पर उतर चढ़ाव है, पर मूवी दोस्तों आपको बोर नहीं करने वाली है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कुछ अमेजिंग फैक्ट रिव्यू के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी का रिव्यू दे देता हूँ। तो जो मूवी की कहानी वो स्टार्ट होती है एक मोहल्ला से, जहाँ पर नितिन रहते हैं, यानी कि अर्जुन रहते हैं, बट उनकी उम्र के वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर एक ही है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है अन्नू की, यानी कि कीर्ति सुरेश की। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अर्जुन है वो पढ़ाई में बहुत ही नीचे है, यानी कि पढ़ाई में कुछ ठीक नहीं है, ख़राब आप कह सकते हैं, और जो अन्नू है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, यानी कि आप मास्टर कह सकते हैं या फिर प्रो कह सकते हैं, और आप जो अर्जुन है उनको आप नूप समझ सकते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब भी विद्यालय में जो अन्नू है उसके अच्छे मार्क आते थे, तो उसको कॉम्पेयर किया जाता अर्जुन के साथ, और अर्जुन को हमेशा उनके जो माता पिता है वो टोकते रहते, देख सामने वाली लड़की को देख, पढ़ाई में कितनी अच्छी है, उनके कितने अच्छे मार्क आए, और तू देख तू अभी भी यहाँ पर पढ़ा है, तेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है। नफरत होने की वजह यही थी कि जो अन्नू है वो पढ़ाई में अच्छी थी, और जो अर्जुन है पढ़ाई में बहुत ही वीक था, और जो वहाँ पर सोसाइटी वाले थे उनको ताने मारते रहते थे। तो अर्जुन यही सोचता है कि मुझे अब यहाँ पर रहना नहीं है, मैं चला जाऊँगा दुबई। तो वो पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है, वहाँ पर काफ़ी मेहनत करता है, फिर भी जब रिजल्ट आता है तो 3rd नंबर पर होता है। तो वो ऊपर पढ़ाई करने की सोचता है, तभी उसको मालूम पड़ता है कि मैं अगर 3rd आया हूँ तो ऊपर 2 लोग कौन है, तो उनमें से एक होती है अन्नू। तो उसका वहाँ पर दिमाग हिल जाता है और उसको बहुत ही नफरत हो जाती है। बट दरअसल होता ये है कि बाद में उनके फैमिली वाले उन दोनों की शादी करवा देते हैं, जो कि अर्जुन उस शादी से बहुत ही खुश नहीं होता, जो कि अर्जुन उस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो चाहता ही नहीं था कि वो अन्नू से मिले और उससे शादी करे, बट किस्मत की बात है, जो कभी हमने सोचा नहीं होता है वो हमारे साथ हो जाता है। तो इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही हो गया है। तो फिर वो दुबई रहता था, तो वो दुबई वापस चला जाता है, और जब वो दुबई जाएगा तो अन्नू को भी साथ में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अन्नू है उसकी भी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, तो वो भी वही चाहते हैं कि मैं दुबई में रहकर पढ़ाई को पूरी करूँगा। फिर एक दिन जो अर्जुन है वो बाहर से आता है पार्टी में से, इन दोनों के बीच में एक प्यार भरी लड़ाई हो जाती है और दोनों सेक्स कर लेते हैं, और फिर जो अन्नू है वो गर्भवती हो जाती है। बट दरअसल जो अर्जुन है उससे कहता है कि मुझे बाप नहीं बनना है, तू इस बच्चे को गिरा दे। तो अन्नू इस बात से नाराज हो जाती है और बोलती है मैं हरगिज ऐसा नहीं करूँगी, मेरी पढ़ाई यहाँ पर ख़त्म होगी तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। बट वहाँ पर उसी वक्त जो उनके पेट में बच्चा होता है, यानी कि अन्नू के पेट में जो बच्चा था, वो उसको लात मारता है। तो वो देखकर अर्जुन को बहुत ही हंसी आती है। जब भी बच्चा अनु के पेट में लात मारता है तो अर्जुन को बहुत ही मज़ा आता था। तो तभी वहाँ पर एंट्री होती है उनके माता पिता की, वो लोग वहाँ पर आते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम दोनों साथ में ऐसे ही रहो और तुम डिवोर्स मत दो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उनके माता पिता कुछ और दिन वहाँ पर रुक जाते हैं, और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में काफ़ी प्यार आ जाता है और दोनों बहुत ही पास आ जाते हैं। पर दरअसल होता है कि जो अन्नू है वो डिवोर्स लेना चाहती है, और लास्ट का जो क्लाइमेक्स है वहाँ पर वो अन्नू डिवोर्स पेपर लेकर आती है। तभी अर्जुन वहाँ पर बोलता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने अब तक जो भी किया वो एक छोटे बच्चे की तरह मैंने रिएक्शन दिए, वो मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ 7 जन्म रहना चाहता हूँ, वैसा वो लास्ट के क्लाइमेक्स में बोल देता है, और वहीं पर मूवी एंड हो जाती है। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, तो इस मूवी की भी हैप्पी एंडिंग है। तो यह मूवी 1 टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। मूवी में कुछ भी ऐसे ब्रूटल सीन्स तो नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ ना देखिए। मूवी काफ़ी अच्छी है, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखना। अब बात करूँ इस मूवी की हिंदी अपडेट्स के बारे में, तो हिंदी डबिंग क्रेडिट्स को बहुत ही पहले ही बाहर कर लिया था,
जी नहीं, जो कि फिलहाल तो अभी तक जो भी न्यूज़ आई है उसके हिसाब से इस मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को जी नहीं बाय किया है। बट बहुत लोगों का कहना है कि इस मूवी की हिंदी डबिंग राइट्स को गोल्ड माइन ने बाय कर लिया है। तो बेशक अब देखते हैं कि इस मूवी के राइट्स दरअसल बाय किसने की है, जो कि अभी तक ऑफिशियल कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आई है। बट ये मूवी अनऑफिशियली इलीगल डबिंग में अवेलेबल है, तो बहुत लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल देख लिया होगा। पर दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आपने अब तक इतना वेट किया है तो प्लीज़ और थोड़ा वेट कर लीजिए। जब यह मूवी ऑफिशियल रिलीज़ हो तभी आप इस मूवी को हिंदी में देखिए। अनऑफिशियल देखने का मज़ा मतलब कचरा देखना ही होता है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अनऑफिशियली इलीगल डबिंग मत देखिए, ऑफिशियली मूवी जब भी आए तभी इस मूवी को देखें। अब मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वन टाइम वॉच मूवी है, तो मैं आपको इतना भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इस मूवी को देखिए ही देखिए। मूवी अच्छी है तो आपको जब भी टाइम मिले, और यह मूवी दोस्तों तेलुगु में अवेलेबल है G5 पर, तो वहाँ पर जाकर भी आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक दो महीने तक वेट कर लीजिए, मूवी आपको जल्दी ही हिंदी में आपके टीवी में देखने को मिल जाएंगी। सो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वाली वीडियो में आपको रंग दे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। इस मूवी के हिंदी अपडेट्स आपको दूंगा, और आप इस मूवी को हिंदी में कहाँ पर देखेंगे, कैसे देख पाएंगे, और यहाँ पर इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ, और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूँ जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर आप रंग दे मूवी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो के देखने के बाद कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी का नाम है रंग दे, जो कि 2021 में रिलीज़ की गई तेलुगु भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10.7/7 की। वहीं पर गूगल इर्ज की तरफ से इस मूवी को लाइक मिले थे 94%, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छी रेटिंग है। अब यहाँ पर बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है वेंकी अल्तुरुज ने, और इस मूवी में म्यूजिक को दिया है देवीश्री प्रसाद ने, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के बहुत सारे सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर भी इन सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। मूवी का बजट तकरीबन था 30 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने तकरीबन 25 से 39 करोड़ की कमाई की थी, जो कि एक एवरेज हिट मूवी रही थी। अब बात करें यहाँ पर इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी में आपको दो मेन कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। पहले तो है कीर्ति सुरेश, जिनका यहाँ पर नाम होता है अन्नू, और दूसरे होते हैं नितिन, जिनका यहाँ पर नाम होता है अर्जुन। तो यहाँ पर ये दोनों मेन कास्ट है। मूवी की काफ़ी सिंपल कहानी है, मूवी में बहुत जगह पर उतर चढ़ाव है, पर मूवी दोस्तों आपको बोर नहीं करने वाली है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कुछ अमेजिंग फैक्ट रिव्यू के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी का रिव्यू दे देता हूँ। तो जो मूवी की कहानी वो स्टार्ट होती है एक मोहल्ला से, जहाँ पर नितिन रहते हैं, यानी कि अर्जुन रहते हैं, बट उनकी उम्र के वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर एक ही है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है अन्नू की, यानी कि कीर्ति सुरेश की। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अर्जुन है वो पढ़ाई में बहुत ही नीचे है, यानी कि पढ़ाई में कुछ ठीक नहीं है, ख़राब आप कह सकते हैं, और जो अन्नू है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, यानी कि आप मास्टर कह सकते हैं या फिर प्रो कह सकते हैं, और आप जो अर्जुन है उनको आप नूब समझ सकते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब भी विद्यालय में जो अन्नू है उसके अच्छे मार्क आते थे, तो उसको कॉम्पेयर किया जाता अर्जुन के साथ, और अर्जुन को हमेशा उनके जो माता पिता है वो टोकते रहते, देख सामने वाली लड़की को देख, पढ़ाई में कितनी अच्छी है, उनके कितने अच्छे मार्क आए, और तू देख तू अभी भी यहाँ पर पढ़ा है, तेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है। नफरत होने की वजह यही थी कि जो अन्नू है वो पढ़ाई में अच्छी थी, और जो अर्जुन है पढ़ाई में बहुत ही वीक था, और जो वहाँ पर सोसाइटी वाले थे उनको ताने मारते रहते थे। तो अर्जुन यही सोचता है कि मुझे अब यहाँ पर रहना नहीं है, मैं चला जाऊँगा दुबई। तो वो पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है, वहाँ पर काफ़ी मेहनत करता है, फिर भी जब रिजल्ट आता है तो 3rd नंबर पर होता है। तो वो ऊपर पढ़ाई करने की सोचता है, तभी उसको मालूम पड़ता है कि मैं अगर 3rd आया हूँ तो ऊपर 2 लोग कौन है, तो उनमें से एक होती है अन्नू। तो उसका वहाँ पर दिमाग हिल जाता है और उसको बहुत ही नफरत हो जाती है। बट दरअसल होता ये है कि बाद में उनके फैमिली वाले उन दोनों की शादी करवा देते हैं, जो कि अर्जुन उस शादी से बहुत ही खुश नहीं होता, जो कि अर्जुन उस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो चाहता ही नहीं था कि वो अन्नू से मिले और उससे शादी करे, बट किस्मत की बात है, जो कभी हमने सोचा नहीं होता है वो हमारे साथ हो जाता है। तो इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही हो गया है। तो फिर वो दुबई रहता था, तो वो दुबई वापस चला जाता है, और जब वो दुबई जाएगा तो अन्नू को भी साथ में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अन्नू है उसकी भी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, तो वो भी वही चाहते हैं कि मैं दुबई में रहकर पढ़ाई को पूरी करूँगा। फिर एक दिन जो अर्जुन है वो बाहर से आता है पार्टी में से, इन दोनों के बीच में एक
प्यार भरी लड़ाई हो जाती है और दोनों सेक्स कर लेते हैं और फिर जो अनु है वो गर्भवती हो जाती है। पर दरअसल जो अर्जुन है उससे कहता है कि मुझे बाप नहीं बनना है, तू इस बच्चे को गिरा दे। तो अनु इस बात से नाराज हो जाती है और बोलती है मैं हरगिज ऐसा नहीं करूँगी, मेरी पढ़ाई यहाँ पर ख़त्म होगी तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। बट वहाँ पर उसी वक्त जो उनके पेट में बच्चा होता है यानी कि अनु के पेट में जो बच्चा था वो उसको लात मारता है। तो वो देखकर अर्जुन को बहुत ही हंसी आती है। जब भी बच्चा अनु के पेट में लात मारता है तो अर्जुन को बहुत ही मज़ा आता था। तो तभी वहाँ पर एंट्री होती है उनके माता पिता की। वो लोग वहाँ पर आते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम दोनों साथ में ऐसे ही रहो और तुम डिवोर्स मत दो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है तो उनके माता पिता कुछ और दिन वहाँ पर रुक जाते हैं और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में काफ़ी प्यार आ जाता है और दोनों बहुत ही पास आ जाते हैं। पर दरअसल होता है कि जो अनु है वो डिवोर्स लेना चाहती है और लास्ट का जो क्लाइमेक्स वहाँ पर वो अनु डिवोर्स पेपर लेकर आती है। तभी अर्जुन वहाँ पर बोलता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने अब तक जो भी किया वो एक छोटे बच्चे की तरह मैंने रिएक्शन दिए, वो मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई है, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ सात जन्म रहना चाहता हूँ। वैसा वो लास्ट के क्लाइमेक्स में बोल देता है और वहीं पर मूवी एंड हो जाती है। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है तो इस मूवी की भी हैप्पी एंडिंग है। तो यह मूवी वन टाइम वॉच है तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। मूवी में कुछ भी ऐसे ब्रूटल सीन्स तो नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ ना देखिए। मूवी काफ़ी अच्छी है, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखना। अब बात करूँ इस मूवी की हिंदी अपडेट्स के बारे में, तो हिंदी लिंक राइट्स को बहुत ही पहले ही बाहर कर लिया था जी नहीं, जो कि फिलहाल तो अभी तक जो भी न्यूज़ आई है उसके हिसाब से इस मूवी की हिंदी लिंक राइट्स को जी नहीं बाय किया है। बट बहुत लोगों का कहना है कि इस मूवी की हिंदी लिंक राइट्स को गोल्ड माइन ने बाय कर लिया है। तो बेशक अब देखते हैं कि इस मूवी के राइट्स दरअसल बाय किसने की है, जो कि अभी तक ऑफिशियल कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आई है। बट ये मूवी अनऑफिशियली इलीगल डबिंग में अवेलेबल है तो बहुत लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल देख लिया होगा। पर दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आपने अब तक इतना वेट किया है तो प्लीज़ और थोड़ा वेट कर लीजिए, जब यह मूवी ऑफिशियल रिलीज़ हो तभी आप इस मूवी को हिंदी में देखिए। अनऑफिशियल देखने का मज़ा मतलब कचरा देखना ही होता है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अनऑफिशियली इलीगल डबिंग मत देखिए, ऑफिशियली मूवी जब भी आए तभी इस मूवी को देखें। अब मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वन टाइम वॉच मूवी है तो मैं आपको इतना भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इस मूवी को देखिए ही देखिए। मूवी अच्छी है तो आपको जब भी टाइम मिले, और यह मूवी दोस्तों तेलुगु में अवेलेबल है G5 पर, तो वहाँ पर जाकर भी आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक दो महीने तक वेट कर लीजिए, मूवी आपको जल्दी ही हिंदी में आपके टीवी में देखने को मिल जाएंगी। सो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और आज की इस वाली वीडियो में आपको रंग दे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। इस मूवी के हिंदी अपडेट्स आपको दूंगा और आप इस मूवी को हिंदी में कहां पर देखेंगे, कैसे देख पाएंगे, और यहां पर इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूं और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूं जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर आप रंग दे मूवी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो के देखने के बाद कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी का नाम है रंग दे, जो कि 2021 में रिलीज़ की गई तेलुगु भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10.7 की। वहीं पर गूगल रिव्यूज की तरफ से इस मूवी को लाइक मिले थे 94%, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छी रेटिंग है। अब यहाँ पर बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है वेंकी अल्तुरुज ने, और इस मूवी में म्यूजिक को दिया है देवीश्री प्रसाद ने, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के बहुत सारे सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर भी इन सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। मूवी का बजट तकरीबन था 30 करोड़ का और बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने तकरीबन 25 से 39 करोड़ की कमाई की थी, जो कि एक एवरेज हिट मूवी रही थी। अब बात करें यहाँ पर इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी में आपको दो मेन कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। पहले तो है कीर्ति सुरेश, जिनका यहाँ पर नाम होता है अनु, और दूसरे होते हैं नितिन, जिनका यहाँ पर नाम होता है अर्जुन। तो यहाँ पर ये दोनों मेन कास्ट है। मूवी की काफ़ी सिंपल कहानी है, मूवी में बहुत जगह पर उतर चढ़ाव है, पर मूवी दोस्तों आपको बोर नहीं करने वाली है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कुछ अमेजिंग फैक्ट और रिव्यू के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी का रिव्यू दे देता हूँ। तो जो मूवी की कहानी वो स्टार्ट होती है एक मोहल्ला से, जहाँ पर नितिन रहते हैं यानी कि अर्जुन रहते हैं, बट उनकी उम्र के वहाँ पर कोई भी बच्चे नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर एक ही है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है अनु की यानी कि कीर्ति सुरेश की। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अर्जुन है वो पढ़ाई में बहुत ही नीचे है, यानी कि पढ़ाई में कुछ ठीक नहीं है, ख़राब आप कह सकते हैं, और जो अनु है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, यानी कि आप मास्टर कह सकते हैं या फिर प्रो कह सकते हैं, और आप
जो अर्जुन है उनको आप नूप समझ सकते हैं। आप समझ गए हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब भी विद्यालय में जो अनु है उसके अच्छे मार्क आते थे तो उसको कॉम्पेयर किया जाता अर्जुन के साथ, और अर्जुन को हमेशा उनके जो माता पिता है वो टोकते रहते, देख सामने वाली लड़की को देख, पढ़ाई में कितनी अच्छी है, उनके कितने अच्छे मार्क आए, और तू देख तू अभी भी यहाँ पे पढ़ा है, तेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है। नफरत होने की वजह यही थी कि जो अनु है वो पढ़ाई में अच्छी थी और जो अर्जुन है पढ़ाई में बहुत ही वीक था, और जो वहाँ पर सोसाइटी वाले थे उनको ताने मारते रहते थे। तो अर्जुन यही सोचता है कि मुझे अब यहाँ पर रहना नहीं है, मैं चला जाऊँगा दुबई। तो वो पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है, वहाँ पर काफ़ी मेहनत करता है, फिर भी जब रिजल्ट आता है तो 3rd नंबर पर होता है। तो वो ऊपर पढ़ाई करने की सोचता है, तभी उसको मालूम पड़ता है कि मैं अगर 3rd आया हूँ तो ऊपर 2 लोग कौन है, तो उनमें से एक होती है अनु। तो उसका वहाँ पर दिमाग खिल जाता है और उसको बहुत ही नफरत हो जाती है। बट दरअसल होता ये है कि बाद में उनके फैमिली वाले उन दोनों की शादी करवा देते हैं, जो कि अर्जुन उस शादी से बहुत ही खुश नहीं होता, जो कि अर्जुन उस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो चाहता ही नहीं था कि वो अनु से मिले और उससे शादी करे, बट किस्मत की बात है, जो कभी हमने सोचा नहीं होता है वो हमारे साथ हो जाता है। तो इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही हो गया है। तो फिर वो दुबई रहता था तो वो दुबई वापस चला जाता है, और जब वो दुबई जाएगा तो अनु को भी साथ में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अनु है उसकी भी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, तो वो भी वही चाहते हैं कि मैं दुबई में रहकर पढ़ाई को पूरी करूँगा। फिर एक दिन जो अर्जुन है वो बाहर से आता है पार्टी में से, इन दोनों के बीच में एक प्यार भरी लड़ाई हो जाती है और दोनों सेक्स कर लेते हैं, और फिर जो अनु है वो गर्भवती हो जाती है। बट दरअसल जो अर्जुन है उससे कहता है कि मुझे बाप नहीं बनना है, तू इस बच्चे को गिरा दे। तो अनु इस बात से नाराज हो जाती है और बोलती है मैं हरगिज ऐसा नहीं करूँगी, मेरी पढ़ाई यहाँ पर ख़त्म होगी तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। बट वहाँ पर उसी वक्त जो उनके पेट में बच्चा होता है, यानी कि अनु के पेट में जो बच्चा था, वो उसको लात मारता है। तो वो देखकर अर्जुन को बहुत ही हंसी आती है। जब भी बच्चा अनु के पेट में लात मारता है तो अर्जुन को बहुत ही मज़ा आता था। तो तभी वहाँ पर एंट्री होती है उनके माता पिता की, वो लोग वहाँ पर आते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम दोनों साथ में ऐसे ही रहो और तुम डिवोर्स मत दो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उनके माता पिता कुछ और दिन वहाँ पर रुक जाते हैं और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में काफ़ी प्यार आ जाता है और दोनों बहुत ही पास आ जाते हैं। पर दरअसल होता है कि जो अनु है वो डिवोर्स लेना चाहती है, और लास्ट का जो क्लाइमेक्स वहाँ पर वो अनु डिवोर्स पेपर लेकर आती है, तभी अर्जुन वहाँ पर बोलता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने अब तक जो भी किया वो एक छोटे बच्चे की तरह मैंने रिएक्शन दिए, वो मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ 7 जन्म रहना चाहता हूँ, वैसा वो लास्ट के क्लाइमेक्स में बोल देता है और वहीं पर मूवी एंड हो जाती है। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, तो इस मूवी की भी हैप्पी एंडिंग है। तो ये मूवी 1 टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। मूवी में कुछ भी ऐसे ब्रूटल सीन्स तो नहीं है जो आप अपनी फैमिली के साथ ना देखिए। मूवी काफ़ी अच्छी है, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखना। अब बात करूँ इस मूवी की हिंदी अपडेट्स के बारे में, तो हिंदी लिंक राइट्स को बहुत ही पहले ही बाहर कर लिया था जी नहीं, जो कि फिलहाल तो अभी तक जो भी न्यूज़ आई है उसके हिसाब से इस मूवी की हिंदी लिंक राइट्स को जी नहीं बाहर किया है। बट बहुत लोगों का कहना है कि इस मूवी के हिंदी लिंक राइट्स को गोल्ड माइन ने बाय कर लिया है। तो बेशक अब देखते हैं कि इस मूवी के राइट्स दरअसल बाय किसने की है, जो कि अभी तक ऑफिशियल कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। बट ये मूवी अनऑफिशियली इलीगल डबिंग में अवेलेबल है, तो बहुत लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल देख लिया होगा। बट दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आपने अब तक इतना वेट किया है तो प्लीज़ और थोड़ा वेट कर लीजिए, जब यह मूवी ऑफिशियल रिलीज़ हो तभी आप इस मूवी को हिंदी में देखिए। अनऑफिशियल देखने का मज़ा मतलब कचरा देखना ही होता है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अनऑफिशियली इलीगल डबिंग मत देखिए, ऑफिशियली मूवी जब भी आए तभी इस मूवी को देखिए। अब मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। 1 टाइम वॉच मूवी है, तो मैं आपको इतना भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इस मूवी को देखिए ही देखिए। मूवी अच्छी है तो आपको जब भी टाइम मिले, और यह मूवी दोस्तों तेलुगु में अवेलेबल है G5 पर, तो वहाँ पर जाकर भी आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ 1-2 महीने तक वेट कर लीजिए, मूवी आपको जल्दी ही हिंदी में आपके टीवी में देखने को मिल जाएंगी। सो हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, और आज की इस वाली वीडियो में आपको रंग दे मूवी के बारे में बताने वाला हूँ। इस मूवी के हिंदी अपडेट्स आपको दूंगा, और आप इस मूवी को हिंदी में कहाँ पर देखेंगे, कैसे देख पाएंगे, और यहाँ पर इस मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ, और कुछ ऐसे अमेजिंग फैक्ट आपको बताने वाला हूँ जो आपने कहीं पर नहीं सुने होंगे। अगर आप रंग दे मूवी के बारे में और जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देखें, क्योंकि आपको इस वीडियो के देखने के बाद कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
तो सबसे पहले बात करें इस मूवी के बारे में, तो मूवी का नाम है रंग दे, जो कि 2021 में रिलीज़ की गई तेलुगु भाषा की एक रोमांटिक ड्रामा मूवी थी। इस मूवी को IMDb की तरफ से रेटिंग मिली थी 10 में से 6.7 की। वहीं पर गूगल रिव्यूज की तरफ से इस मूवी को लाइक मिले थे 94%, जो कि काफ़ी बहुत ही अच्छी रेटिंग है। अब यहाँ पर बात करें इस मूवी के डायरेक्शन के बारे में, तो यहाँ पर इस मूवी को डायरेक्ट किया है वेंकी अल्तुरुज ने, और इस मूवी में म्यूजिक को दिया है देवीश्री प्रसाद ने, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त है। और इस मूवी के बहुत सारे सॉन्ग्स बहुत ही अच्छे हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाकर भी इन सॉन्ग्स को सुन सकते हैं। मूवी का बजट तकरीबन था 30 करोड़ का, और बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने तकरीबन 25 से 39 करोड़ की कमाई की थी, जो कि एक एवरेज हिट मूवी रही थी। अब बात करें यहाँ पर इस मूवी के कास्ट के बारे में, तो इस मूवी में आपको 2 मेन कास्ट देखने को मिलने वाले हैं। पहले तो है कीर्ति सुरेश, जिनका यहाँ पर नाम होता है अन्नू, और दूसरे होते हैं नितिन, जिनका यहाँ पर नाम होता है अर्जुन। तो यहाँ पर ये दोनों मैन कास्ट है। मूवी की काफ़ी सिंपल कहानी है, मूवी में बहुत जगह पर उतर चढ़ाव है, पर मूवी दोस्तों आपको बोर नहीं करने वाली है। अब यहाँ पर मैं बात करूँ इस मूवी के कुछ अमेजिंग फैक्ट और रिव्यू के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको इस मूवी का रिव्यू दे देता हूँ। तो जो मूवी की कहानी वो स्टार्ट होती है एक मोहल्ला से, जहाँ पर नितिन रहते हैं, यानी कि अर्जुन रहते हैं, बट उनकी उम्र के वहाँ पर कोई भी बच्चा नहीं है, इसलिए वो वहाँ पर एक ही है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है अन्नू की, यानी कि कीर्ति सुरेश की। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जो अर्जुन है वो पढ़ाई में बहुत ही नीचे है, यानी कि पढ़ाई में कुछ ठीक नहीं है, ख़राब आप कह सकते हैं, और जो अन्नू है वो पढ़ाई में बहुत ही अच्छी है, यानी कि आप मास्टर कह सकते हैं या फिर प्रो कह सकते हैं, और आप जो अर्जुन है उनको आप नूब समझ सकते हैं। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो जब भी विद्यालय में जो अन्नू है उसके अच्छे मार्क आते थे, तो उसको कॉम्पेयर किया जाता अर्जुन के साथ, और अर्जुन को हमेशा उनके जो माता पिता है वो टोकते रहते, देख सामने वाली लड़की को देख, पढ़ाई में कितनी अच्छी है, उनके कितने अच्छे मार्क आए, और तू देख तू अभी भी यहाँ पे पढ़ा है, तेरा कुछ हो ही नहीं सकता है। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों के बीच में नफरत पैदा हो जाती है। नफरत होने की वजह यही थी कि जो अन्नू है वो पढ़ाई में अच्छी थी, और जो अर्जुन है पढ़ाई में बहुत ही वीक था, और जो वहाँ पर सोसाइटी वाले थे उनको ताने मारते रहते थे। तो अर्जुन यही सोचता है कि मुझे अब यहाँ पर रहना नहीं है, मैं चला जाऊँगा दुबई। तो वो पढ़ने के लिए बाहर चला जाता है, वहाँ पर काफ़ी मेहनत करता है, फिर भी जब रिजल्ट आता है तो 3rd नंबर पे होता है। तो वो ऊपर पढ़ाई करने की सोचता है, तभी उसको मालूम पड़ता है कि मैं अगर 3rd आया हूँ तो ऊपर 2 लोग कौन है, तो उनमें से एक होती है अन्नू। तो उसका वहाँ पर दिमाग हिल जाता है और उसको बहुत ही नफरत हो जाती है। बट दरअसल होता ये है कि बाद में उनके फैमिली वाले उन दोनों की शादी करवा देते हैं, जो कि अर्जुन उस शादी से बहुत ही खुश नहीं होता, जो कि अर्जुन उस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वो तो चाहता ही नहीं था कि वो अन्नू से मिले और उससे शादी करे, बट किस्मत की बात है, जो कभी हमने सोचा नहीं होता है वो हमारे साथ हो जाता है। तो इस मूवी में भी कुछ ऐसा ही हो गया है। तो फिर वो दुबई रहता था, तो वो दुबई वापस चला जाता है, और जब वो दुबई जाएगा तो अन्नू को भी साथ में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो अन्नू है उसकी भी पढ़ाई पूरी नहीं होती है, तो वो भी वही चाहते हैं कि मैं दुबई में रहकर पढ़ाई को पूरी करूँगा। फिर एक दिन जो अर्जुन है वो बाहर से आता है पार्टी में से, इन दोनों के बीच में एक प्यार भरी लड़ाई हो जाती है और दोनों सेक्स कर लेते हैं, और फिर जो अन्नू है वो गर्भवती हो जाती है। बट दरअसल जो अर्जुन है उससे कहता है कि मुझे बाप नहीं बनना है, तू इस बच्चे को गिरा दे। तो अन्नू इस बात से नाराज हो जाती है और बोलती है मैं हरगिज ऐसा नहीं करूँगी, मेरी पढ़ाई यहाँ पर ख़त्म होगी तो मैं तुमसे तलाक ले लूँगी। बट वहाँ पर उसी वक्त जो उनके पेट में बच्चा होता है, यानी कि अन्नू के पेट में जो बच्चा था, वो उसको लात मारता है। तो वो देखकर अर्जुन को बहुत ही हंसी आती है। जब भी बच्चा अन्नू के पेट में लात मारता है तो अर्जुन को बहुत ही मज़ा आता था। तो तभी वहाँ पर एंट्री होती है उनके माता पिता की, वो लोग वहाँ पर आते हैं और उनको बोलते हैं कि तुम दोनों साथ में ऐसे ही रहो और तुम डिवोर्स मत दो। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, तो उनके माता पिता कुछ और दिन वहाँ पर रुक जाते हैं, और धीरे धीरे उन दोनों के बीच में काफ़ी प्यार आ जाता है और दोनों बहुत ही पास आ जाते हैं। पर दरअसल होता है कि जो अन्नू है वो डिवोर्स लेना चाहती है, और लास्ट का जो क्लाइमेक्स है वहाँ पर वो अन्नू डिवोर्स पेपर लग कर आती है। तभी अर्जुन वहाँ पर बोलता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, मैंने अब तक जो भी किया वो एक छोटे बच्चे की तरह मैंने रिएक्शन दिए, वो मेरे से बहुत ही बड़ी गलती हो गई, मैं आगे ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं तुम्हारे साथ हर पल रहना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ 7 जन्म रहना चाहता हूँ, वैसा वो लास्ट के क्लाइमेक्स में बोल देता है, और वहीं पर मूवी एंड हो जाती है। हर मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है, तो इस मूवी की भी हैप्पी एंडिंग है। तो यह मूवी 1 टाइम वॉच है, तो आप इस मूवी को अपनी फैमिली के साथ देख सकते हैं। मूवी में कुछ भी ऐसे ब्रूटल सीन्स तो नहीं है,
जो आप अपनी फैमिली के साथ ना देखिए। मूवी काफ़ी अच्छी है, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा कि आप इस मूवी को ज़रूर देखना। अब बात करूँ इस मूवी की हिंदी अपडेट्स के बारे में, तो हिंदी लिंक राइट्स को बहुत ही पहले ही बाहर कर लिया था जी नहीं, जो कि फिलहाल तो अभी तक जो भी न्यूज़ आई है उसके हिसाब से इस मूवी की हिंदी लिंक राइट्स को जी नहीं बाय किया है। बट बहुत लोगों का कहना है कि इस मूवी की हिंदी लिंक राइट्स को गोल्ड माइन ने बाय कर लिया है। तो बेशक अब देखते हैं कि इस मूवी के राइट्स दरअसल बाय किसने की है, जो कि अभी तक ऑफिशियल कोई भी कन्फर्मेशन नहीं आई है। बट ये मूवी अनऑफिशियली इलीगल डबिंग में अवेलेबल है, तो बहुत लोगों ने इस मूवी को अनऑफिशियल देख लिया होगा। पर दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि प्लीज़ आपने अब तक इतना वेट किया है तो प्लीज़ और थोड़ा वेट कर लीजिए, जब यह मूवी ऑफिशियल रिलीज़ हो तभी आप इस मूवी को हिंदी में देखिए। अनऑफिशियल देखने का मज़ा मतलब कचरा देखना ही होता है, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो प्लीज़ अनऑफिशियली इलीगल डबिंग मत देखिए, ऑफिशियली मूवी जब भी आए तभी इस मूवी को देखें। अब मूवी दोस्तों काफ़ी अच्छी है, तो आप इस मूवी को एक बार ज़रूर देखना। वन टाइम वॉच मूवी है, तो मैं आपको इतना भी फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि आप इस मूवी को देखिए ही देखिए। मूवी अच्छी है तो आपको जब भी टाइम मिले, और यह मूवी दोस्तों तेलुगु में अवेलेबल है G5 पर, तो वहाँ पर जाकर भी आप इस मूवी को देख सकते हैं। अगर हिंदी में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ एक दो महीने तक वेट कर लीजिए, मूवी आपको जल्दी ही हिंदी में आपके टीवी में देखने को मिल जाएंगी।